हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी अड्डा, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास, जिसमें आप सभी चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे और समझते और सीखते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, चाल समय और दूरी। चाल समय और दूरी पर हम बेहतरीन तरीके से बात करने वाले हैं और इसमें हर एक चीज को हम अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि चाल समय और दूरी क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर से बहुत ज्यादा डर लगता है, उनको ये लगता है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ है और इस चैप्टर से हम अगर दूर रहें तो ही अच्छा है। हर किसी को ये लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लगता है, इसके बारे में मैं कभी समझ ही नहीं पाया हूं। पर अगर आप इस चैप्टर को बहुत ही सलीके से लेकर चलेंगे, मतलब हर एक चीज को अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो ये चैप्टर बहुत रियल लाइफ के क्लोज है। यानी कि आप इसमें पाएंगे कि ये तो पूरी तरह से रियल लाइफ ही है ना, इसमें कुछ भी अलग जैसा नहीं है। हम कहें कि इसमें बहुत कुछ अलग है, नया है या फिर ऐसा है, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें वही हैं जहां से हम चलते हैं, जहां से हम गुजरते हैं और अंत में आकर वहीं पर मिल जाते हैं। यानी कि रियल लाइफ है ये, पूरी तरह से आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, ये तो हमारी ही जिंदगी का हिस्सा है, कैसे हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में ही ट्रेवल कर रहे हैं, कैसे आप कुछ दूरी तय करते हैं, कुछ समय लगाते हैं और उससे आपकी चाल तय होती है, कैसे हम किसी जगह पर दौड़ कर जाते हैं, भाग कर जाते हैं तो हमें कम समय लगता है, कैसे हम किसी जगह पर धीमे धीमे जाते हैं तो हमें ज्यादा समय लगता है। मतलब सारी बातें इसमें हम करेंगे और इन्हीं बातों के साथ इसमें हम इस चैप्टर को अपने बिल्कुल मतलब दिल तक बैठा लेंगे और आप इसको बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप हर एक बात को समझना, समझते और सीखते हुए मेरे साथ चलना और बिल्कुल कायदे और तरीके से सभी सवालों के आप ध्यानपूर्वक यहां पर तरीके देखना और उनके मेथड सीखना। यहां पर मैं लिख रहा हूं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, और अगर हम हिंदी में लिखें तो चाल समय और दूरी। चाल समय और दूरी ये चैप्टर है। देखिए, ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, चाल समय और दूरी की अगर मैं बात करूं तो ये हमें इसमें रिलेशन बताना चाहता है कि स्पीड टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको कहूं कि आपको मुझसे मिलने आना है, ठीक है, मान लेते हैं कि आप मुझसे 100 किलोमीटर दूर रहते हैं, ठीक है, आपने कहा मुझे तो सर आते आते 2 घंटे लग जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को, दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। यानी कि आपको 100 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 2 घंटे लगेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्पीड क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी चाल क्या है, तो आप कहेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस क्या है 100 और टाइम क्या है 2, तो स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर।
50 किलोमीटर क्या है पर आवर है, जानेगी आपको ये 50 किलोमीटर की दूरी कवर करने में एक घंटे का समय लगता है, इसलिए 100 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 2 घंटे का समय लगेगा बस। इसलिए तो यहां पर हमें यहां पर इस स्पीड के मीनिंग को ही समझना है। स्पीड का मीनिंग क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर जानी कि एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय होगी, जानी कि एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय होगी। समझे कि नहीं समझे, तो यही बात मैं आपको यहां पर समझाने चाहता हूं कि स्पीड का मतलब क्या है, कि आप क्या करेंगे 50 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे एक घंटे में तय करेंगे, एक आवर में तय करेंगे। सभी को क्लियर हुई है बात, है ना, सबको ये बात क्लियर है। हाँ, ये सभी एग्जाम्स के लिए है, ठीक है, ये चैप्टर सभी एग्जाम के लिए है, आप आराम से बस पढ़िए। तो हमें ये बात समझ आ गई कि एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय होगी, यही क्या है स्पीड है और यही क्या है चाल है। समझ गए अब आप इसको। चलिए बहुत ही आराम से और बहुत ही सुकून से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उसी में आप सारी चीजों को देखेंगे। अब देखो यहां पर एक गेम ये आता है कि अगर हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। अगर हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम इसको कैसे बदलेंगे। 25 हार्ड डेज वाली चैलेंज वाली क्लास ही इसको आप मानिए, वैसे कल से होगी उसकी पहली क्लास, उसकी मंडे से है। ये हमने एक चैप्टर रखा है कि आज एक संडे के दिन एक चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से। देखो यहां पर हमें पता चला कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से हम गुना करेंगे, और जब कभी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। ये ध्यान रखना, ये कैसे हो रहा है इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाते हैं तो हमें 5/18 से गुना करना है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ जाते हैं तो 18/5 से गुना करना है। आप इसको याद कैसे रखोगे, ध्यान कैसे रखोगे कि कब 5/18 से गुना करना है और कब 18/5 से गुना करना है, ये कैसे आप याद रखोगे। तो ध्यान रखना, जब कभी भी बड़े से छोटे की ओर जाओगे तो 5/18 से गुना करना, मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी रखना, और जब कभी भी छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो ऊपर वाली संख्या बड़ी रखना, यानी कि 18 रखना, 18/5 रखना। ठीक है, सबको क्लियर है। जैसे मैंने आपको दिया 36 मीटर, है ना, 36 किलोमीटर पर आवर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कैसे बदलोगे, 36 गुना में 5/18। ठीक है, आप इसको काटेंगे 18 × 36, 5 × 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। समझ गए आप, है ना, क्लियर है। 36 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में बदला कैसे, 5/18 से गुना करके, तो क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इसी तरह से अगर मैं लिखूं 20 मीटर पर सेकंड, आप इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलोगे बताओ। आप इसको बदलोगे 20 गुना में 18/5, 5 × 20, 18 × 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आएंगी, है ना, आपको इसे बहुत ध्यान से सीख लेना है। चलिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन पर आएंगे। आज की क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। एक कार 240 मिनट में
1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की गति मीटर पर सेकंड में क्या है बताएं। एक कार 240 मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी, एक कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1080 किलोमीटर इन 240 मिनट्स, ठीक है। एक कार, ठीक है, 1080 किलोमीटर की दूरी 240 मिनट में, मिनट को आप बदलो आवर्स में, कैसे बदलोगे 60 से भाग करके बदलोगे, तो हमारे पास 4 घंटे आ गया। मिनट को आवर्स में बदलो तो 4 घंटे आ गया, ठीक है। दूरी कितनी है 1080 है, किससे भाग करेंगे 4 से, क्यों, क्योंकि आवर्स में आप किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। इसके बाद मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसको आप काटेंगे 4 पर या फिर 2 पर काट, इसको 9 पर काट लीजिए, 9 × 2 = 18, 12 × 9 = 108, तो 20। इसको काटिए 4 से, 4 × 3 = 12, इसको काटिए 2 से तो 15, तो 15 × 5 = 75 आ गया, यानी कि 75 मीटर पर सेकंड आ गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी क्या है परम सत्य है। क्लियर है सभी को, बताओ ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी क्या है परम सत्य है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। हां, एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरी ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। पहली ट्रेन की चाल का दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात क्या है, रेशो क्या है, रेशो बताओ। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए जब कभी भी रेशो पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे यहां पर किलोमीटर पर आवर है और यहां पर मीटर पर सेकेंड है, ये अलग अलग नहीं चलेगा, ये सेम होना चाहिए। ये किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकेंड में बदलो 5/18 से गुना करके, और यहां पर तो 25 है ही, यहां पर तो 25 है ही, ठीक है। अब इसको आप इससे काटो तो 6 पर गया, और इसको इससे काटो तो 5 पर गया, तो 6:5 हो गया, 6:5, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी क्या है परम सत्य है। क्लियर है, जब कभी भी आपको दो चीजों का रेशो पूछा जाए तो यहां पर यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लो, और क्योंकि ये किस में है, मीटर पर सेकंड में है, तो आप क्या करेंगे 5/18 से इसको गुना कर देंगे। जैसे गुना करेंगे तो ये कटेगा 6 पर भी और 5 पर, तो हमारा रेशो क्या होगा 6:5। इसलिए ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है परम सत्य है। देखिए यहां पर समझिएगा, हमारी लाइफ में एक रूल ये रहता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम क्या लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में क्या लिखते हैं, चाल बराबर किसके है, दूरी बटे समय के। किसके बराबर है, दूरी बटे समय के, चाल बराबर है दूरी बटे समय के। ध्यान से देखो ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्या चीज है, ये बहुत जरूरी है। ध्यान से अगर आपने इसको एक बार समझ लिया ना तो पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। आप कहेंगे सर इतनी बड़ी बात है, ये तो मुझे पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इसमें तो कोई हमें इतनी बड़ी बात नहीं लगी। ये बहुत बड़ी बात है, और आप ये मानिए कि पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड करता है, पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमेगा, ठीक है। जैसे अब इसको देखना, मुझे एक बात बताओ,
डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुना में समय। ये क्या है? दूरी है। ये क्या है? दूरी। दूरी क्या है? चाल गुना में समय। ये बात सभी को सही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। बस, तो डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो आप इसको देखेंगे, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे और 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करें कि 3 घंटे 15 मिनट की दूरी क्या होगी। आपके जीडी के पेपर में पूछा गया सवाल है और अभी के पेपरों में पूछा गया सवाल है। आपको देखने में लग रहा होगा ये, अरे यार ये तो बहुत आसान है, पर ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। देख लो आप इसको, देखना। हाँ, इसमें क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखना। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? मतलब कमेंट बॉक्स में है, हम यहां पर बड़ी बड़ी क्लासें रख रहे हैं, आप लोगों के लिए पूरे डेडिकेटेड हो रहे हैं, और ये यहां पर कर रहा है अरे जान ये हो गया वो हो गया, मतलब तुझे अकल नहीं है, हैं? यहां पर मैं आपको जीवन का एक रूल बता रहा हूं, आप आज के समय में अगर अच्छी जिंदगी जी रहे हैं तब पढ़ाई जरूरी है, इसी अच्छी जिंदगी को और आगे जाकर अच्छा बनाने के लिए। आप अगर मान लो आज थोड़ी मतलब गरीबी वाली जिंदगी जी रहे हैं, आपके पास उतने संसाधन नहीं है, तो आपके लिए पढ़ाई जरूरी है ताकि इस गरीबी से निकलकर कुछ नया रास्ता बना सके। पढ़ाई तो हर माध्यम से जरूरी है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस पढ़ाई को नहीं करूंगा, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए आप जितना पढ़ाई से दूर जाते जाएंगे आप उतना ही मजदूरी के पास जाते रहेंगे। ये हो सकता है कि आप अपनी पुश्तों, आप आज के समय में ठीक रहे क्योंकि आपके बाप दादा ने अच्छा कमा रखा है, पर ये रिजल्ट आपकी आने वाली पुश्तें भुगतेंगी। फिर वो कहां करेंगी? एक हमारे यहां पर ऐसा बाप भी आया, ठीक है, जिसने मेहनत ही नहीं की। दादा ने तो इतना कुछ बनाया, ठीक है, पर उसने नहीं संभाला और आज हम कहां पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं भाई, अपनी आने वाली जनरेशन को ऐसा बोलने से रोको, है ना, और अपना आराम से पढ़ो, पढ़ाई अंत में काम आएगी, पढ़ाई ही आपके जीवन को सुधार पाएगी। अब इसको देखना, देखो इन्होंने क्या कहा, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी बताओ। आपको ये समय दे रखा है, समय है, ये टाइम है। टाइम क्या है? 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट को किस में बदलेंगे? आवर्स में। कैसे? 60 से भाग करके, 15 एकम 15, 15 चौके 60, ठीक है। आपने यहां देखा 4 तिया 12 और 1 13, तो 13/4 घंटे हो गए, हुआ कि नहीं हुआ? स्पीड कितनी दे रखी थी? 48 किलोमीटर पर आवर। अगर इस स्पीड से, स्पीड इनटू टाइम, यही क्या होता है? दूरी होता है। यही क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो 12 से आप इसको गुना कर देंगे, है ना। स्पीड इनटू टाइम कैसे? कैसे फिर से बताना। 15/60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए इसको 60 से भाग किया है। ये क्या हो गया? 4 तिया 12 और 1 13, 13/4। अब देखना, 12 तिया 36, 3 कैरी, 12 और 3 15, तो 156 किलोमीटर आ गया। दूरी कितनी आ गई? 156, है ना, दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गई। 156 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 156 क्या है? परम सत्य है। सभी को क्लियर है? चलो देखना, आप इस क्वेश्चन को देखना, इससे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं, बहुत आराम से समझेंगे, सब मेरी तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। अगर कोई फालतू कमेंट कर रहा है, अगर आप उससे झगड़ेंगे नहीं, अगर उसको करते रहने देंगे, तो वो थोड़ी देर में अपने आप शांत होकर चला रहेगा। उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, उसको ऐसे देखो कि हम तेरी तरफ देख ही नहीं रहे, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में एक टर्म यूज होती है, एवरेज स्पीड, औसत चाल।
और ये एवरेज स्पीड औसत चाल क्या है, कैसे है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। एवरेज स्पीड जिसको हम हिंदी में कहते हैं औसत चाल, ये क्या है, ये क्यों हमारे प्रचलन में है, इसका क्या यूज है, इस पर हमें काफी चर्चा करनी है और इस पर हमें काफी देखना है, देखना। हाँ देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में देखेंगे ना, तो हम एवरेज स्पीड से ही चल रहे हैं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, हम तो प्रो फुल स्पीड से चलते हैं। अरे नहीं 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 फुल स्पीड से नहीं चलते हम। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है और आपको यहां से चलकर यहां पर जाना है, किसी ने बुलाया है, ये आप हैं, और किसी ने कहा है कि हे प्रिय आपसे आज मिलने का मन कर रहा है, मित्री है मान लेते हैं, और आपके और इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। आप इनसे मिलने गए, आपने वहां पर जाकर आप लोग बैठे और थोड़ी देर बातें की, जैसे बातों ही बातों में बात हुई कि आपको यहां से लेकर यहां तक आने में कितना समय लगा, तो आपने कहा कि मुझे 2 घंटे का समय लगा, आपने कहा मुझे 2 घंटे का समय लगा। उन्होंने आपसे पूछा कि आपने किस गति में गाड़ी को चलाया, किस स्पीड में गाड़ी को चलाया, तो आपने कहा कहीं पर रोड बहुत अच्छी थी तो मैं बहुत तेजी से चला, कहीं पर रोड थोड़ी खराब थी तो मैं 40-50 की स्पीड पर भी चला, कहीं पर ट्रैफिक था तो मैं 60-70 की स्पीड पर भी चला, और आपसे मिलने की जल्दी भी थी इसलिए मैंने गाड़ी को 120 की स्पीड पर भी चलाया, यानी कि ज्यादा ही धुआं काट दिया। कुल मिलाकर उन्होंने स्पीड को बहुत ज्यादा कभी कम किया, कभी ज्यादा किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, यही किया, और इसी कारण से 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे लग गए। यानी कि आप अगर बात करेंगे तो आप ये कहेंगे कि औसतन एवरेज मैंने गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, यही कहेंगे आप, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगा। तो ये क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपने यहां पर ये क्या बताया है, एवरेज स्पीड जिसको हम कहते हैं औसत दूरी, औसत चाल, एवरेज स्पीड औसत चाल किसके बराबर है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, बस यही इसके बराबर है, कुल दूरी बटे कुल समय, और यही क्या है, एवरेज स्पीड है, और यही क्या है, औसत चाल है। क्लियर है सभी को, बताओ। अब इसको देखना, इसमें क्या कह रहा है, अमन 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अमन की चाल क्या है, अमन की चाल बताइए जल्दी से। सभी आंसर करेंगे, अरे कौन है भाई ये, चलिए सभी आंसर करेंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। कह रहा है कि सर 7 होगा, प्रयास कीजिए। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताएं। कह रहा 7। देखिए अमन 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी यानी कि 15 किलोमीटर और यहां पर दूरी 20 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है, 3 घंटे ये और 2 घंटे ये, तो टोटल कितना हो गया, 5 घंटे हो गए, 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, तो चाल क्या है, 7 किलोमीटर पर आवर है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। क्लियर है सभी को, बताओ ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल
बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्या है परम सत्य है। इस क्वेश्चन को बताओ, इसको देखो। अब एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे, ठीक है, बाइक पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे, ठीक है, ट्रेन से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे, उसके द्वारा किस औसत चाल से यात्रा की गई। यहां पर देखेंगे, ए पर्सन ट्रेवल्स इन ए कार एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, ऑन बाइक एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, एंड इन ए ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, है ना, एट विच ही ट्रेवल्ड, इसको हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस क्या है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा, औसत चाल होगा। जैसे कि आप देखेंगे, आपको पता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे, तो ये डिस्टेंस हो गई। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे, ये डिस्टेंस हो गई। 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे, तो ये डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से, यही करेंगे, ये क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया। अब देखना, 4 × 3 = 12, तो 120, 3 × 2 = 6, तो 60, और यहां पर 8 × 40, तो 400, तो ये कितना हो गया, नीचे 10 आ गया। इनको जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, 580 डिवाइड होगा किससे, 10 से, 0 से 0 काटोगे तो 58 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ऑप्शन ए, ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्या है, परम सत्य है। क्लियर है सभी को, बताओ। हमारे पास है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, हमने इसको किया तो टोटल डिस्टेंस आ गई 580। समय कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो 10 से भाग कर दिया, तो समय क्या हो गया, 58 किलोमीटर पर आवर। इसलिए ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्या है, परम सत्य है। क्लियर है सभी को, बताओ, है ना, सबको ये बात क्लियर हुई, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखना, एक बात और समझना। देखिए, होता क्या है, आप मेरी बात को बहुत ऐसे समझना जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही है, वैसे ही चलेगा चैप्टर, धीरे 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 ग्रो करेगा। कह रहे सर डिवाइड बाय 10 क्यों है, समझ लो, क्योंकि टोटल टाइम 10 घंटे है, 3 घंटे ये, 2 घंटे ये, और 5 घंटे ये, तो टोटल टाइम ही 10 घंटे है, इसलिए 10 से भाग किया है। टोटल टाइम क्या है, 10 घंटे है, इसलिए 10 से भाग किया है। इसको देखना, इस कंसेप्ट को देखना, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक ही बात समझाऊंगा, लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए एक चीज का नहीं, बहुत सारी चीजों का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अपने मन को ठहराना पड़ता है, थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ता है। हर किसी का आज हो सकता है कि आपके घर में, ठीक है, एसी ना हो, पंखे ना हो, मतलब पंखा तो हर किसी घर में होगा, मान लेते हैं कि एसी ना हो, मान लेते हैं, पर इस बात के लिए प्रणबद्ध रहना कि एक दिन ऐसा लेकर आऊंगा कि इस घर में भी एसी आएगा, और वो मेरी मेहनत की कमाई से होगा, वो मेरे पैसों का होगा। यानी कि मैं इस बात के लिए प्रण लेता हूं कि भाई, मैं अपनी आगे आने वाली जनरेशन को वो चीजें दूंगा जो बाई चांस जो हमारे माँ बाप उस लेवल पर नहीं आ पाए, उनको मैं अपने इस मेहनत से उनको भी ये सारी चीजें दूंगा, ठीक है। इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना और इस बात के लिए मेहनत करना, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को पहले से ही सब कुछ मिल जाए, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को वही सब कुछ रखा हुआ मिले, प्लेट में सजा हुआ मिले, कुछ को अपनी मेहनत से भी करना पड़ता है, और वहीं से एक पीढ़ी बदलती है और वहीं से अगली पुश्तें बदलती हैं, ये ध्यान रखना। अब इस पर आओ, जैसे देखो, अगर आप देखोगे ना, अक्सर हम अपने
घर से जब भी निकलते हैं तो हम हमेशा सेम दूरी को दो बार कवर करते हैं, सेम डिस्टेंस को, ये हम अक्सर करते हैं। कैसे? जैसे हम घर से ऑफिस गए, ठीक है, और ऑफिस से घर पर वापिस आए, और इसी तरह से जैसे हम, ठीक है, घर से स्कूल गए और स्कूल से घर वापिस आए। अक्सर अगर आप देखोगे ना, तो आप कुछ भी सोचो, अपने दिमाग में सोचो, कभी भी आप देखना, किसी भी जगह पर आप जाना, आप किसी रिश्तेदार के घर में भी जाना, आप जाओगे तो वापिस भी आओगे। यानी कि अक्सर हम जो दूरी होती है ना, वो उसको दो बार कवर करते हैं, दो बार जाते भी हैं तो आते भी हैं। और इसी कंसेप्ट में आप देखेंगे कि जब कभी भी सेम दूरी दो बार कवर की जाए, जब कभी भी, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, जब कभी भी सेम दूरी दो बार कवर की जाए और आपसे एवरेज स्पीड पूछे, औसत चाल पूछे, तो औसत चाल होगी दो गुना में S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी एवरेज स्पीड की बात करें, औसत चाल की बात करें और सेम दूरी दो बार कवर की जाए, तो इसको जरूर ध्यान रखना, दो गुना में S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। कई बच्चे इस बात को ऐसे समझते हैं कि ये तभी लागू होगा जब वो जाएगा और वापिस आएगा। नहीं 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 नहीं, ये हमेशा तब लागू होगा जब कभी भी सेम दूरी कवर की जाएगी, सेम डिस्टेंस कवर की जाएगी, ये हमेशा तब लागू होगा। ठीक है, इस बात के लिए तैयार हो? अब चलें, इस पर इतने क्वेश्चन पूछता है, इतने क्वेश्चन पूछता है, बहुत, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो ये मार्क कर लेना कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई, चलिए, तो अब आप इसको देखना, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन का आप आंसर करना। SSC GD के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, SSC GD के एग्जाम में, SSC GD के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से आप देखना, इस पर क्वेश्चन का, इसका आंसर करना। मोहन घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय जाता है और एक निश्चित गति से कार्यालय से घर लौटता है। यदि उसकी औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटे है तो लौटते समय गति क्या है? लौटते समय गति पूछी है, ठीक है, है ना, लौटते समय गति क्या है, लौटते समय गति हमसे पूछ, एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसका बताओ। चलो आप देखना, सभी क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, ये सारे सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, जैसे ये CGL 2022 का, मतलब सारे नए क्वेश्चन है। अब इसको देखना, एक जीप 300 किलोमीटर की दूरी, उस पर आएंगे अभी, पहले इसको कर लो, किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से करती है, ठीक है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आती है, इस पूरी की एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड बताओ, दो गुना में 60 गुना में 30 बटे क्या होगा? 90, यही होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, यही तो है। तो आप इसको काटना, आप इसको काटना, आप इसको काट देना, कितना आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है, समझे आप, 60 किलोमीटर की चाल से गया और 30 की चाल से वापिस आया, तो एवरेज स्पीड क्या है? 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, यही होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, आप देखो, मोहन घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, ठीक है, और एक निश्चित का गति से कार्यालय से घर लौटता भी है, ठीक है, यदि औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है,
तो आपको यह बताना है घर लौटते समय क्या स्पीड है उसकी। अब देखना, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया और x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापिस आया, क्योंकि हमें उसकी वापिस आने की स्पीड नहीं पता, वही तो निकालनी है। 2 × s1 × s2 / s1 + s2 बराबर किसके? 24 के। बराबर किसके? 24 के। तो ये कितना होगा? 12। ये कितना होगा? 5। और ये कितना होगा? 3। तो ये क्या बनेगा? 5x प्लस में 60 प्लस में 3x, तो 2x बराबर 60, यानी कि x का मान क्या होगा? 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। सभी बताओ, सभी को समझ आया? क्योंकि 2 × s1 × s2 / s1 + s2 बराबर किसके? 24 के। और आपने इसको सोल्व किया तो सोल्व करके क्या आया? 5x। इसको गुना किया तो 60 गुना में 3x बराबर किसके? 30 के। तो 30 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी मेरे पास है। क्या है सर वो तरीका? हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। सबसे पहले ये देखो, आपको ये भी लग रहा होगा सर इस 300 का कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है, क्यों लेना इस 300 को बेचारे को, पड़ा रहने दो इसको एक साइड में। इसको करने का एक तरीका और भी है मेरे पास। क्या है वो तरीका? समझना। जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते हैं कि 60 किलोमीटर की दूरी से गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आया, ठीक है? तो यहां पर आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या है? 60 है। इसको मानो कि ये दूरी है, ये क्या है? डिस्टेंस है। और ये क्या है? स्पीड है। डिस्टेंस को स्पीड से भाग करेंगे तो समय आएगा, समय आ गया। अब देखो, डिस्टेंस कितनी बार कवर हुई है? 2 बार कवर हुई है। और कितना समय लग गया है? 3 का समय लग गया है। तो चाल क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर है। बस खत्म हो गई बात। फिर से आप इसको ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस क्या है? 60 है। आपने 60, और आप देखो 60 की स्पीड पर ही 60 की दूरी को कवर किया जाते हुए और 60 को दूरी को कवर किया आते हुए, 2 बार कवर किया आपने 60 की दूरी को, है ना? और इसमें आप देखेंगे 60 × 2/3 आ गया। क्लियर है? बताओ, सभी को यह बात समझ आ गई? चलिए अब देखना, आप इस क्वेश्चन में देखना। अब यहां पर इसने क्या कहा है कि 3 बार ऐसी, मैंने आपको यह तरीका इसलिए समझाया क्योंकि यह 3 बार भी कवर कर सकता है। देखो, सेम डिस्टेंस को 3 अलग अलग चाल से कवर कर रहा है, 3 अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है सेम डिस्टेंस को। जिनको अभी नहीं समझ आया, इसमें क्लियर होगा, इसमें आपको और समझ आएगा। देखना, 3 बार नहीं, ये तो 4 बार कवर कर रहा है। बताओ, 4 बार कवर कर रहा है। कितने बार? 4 बार। अब इसको देखना, एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 150 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, 450 किलोमीटर पर आवर और 600 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ता है। मैदान के चारों ओर, ठीक है, विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए कि विमान की औसत गति क्या है, बताइए जल्दी से। कह रहे सर अभिनंदन 7.0 में सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं क्या? बताता हूं अभी, पहले एक बार थोड़ा सा इसको देख लो, अभी बता रहा हूं, 2 मिनट में बस। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो इसका एलसीएम क्या लोगे? मैं तो कह रहा हूं कि 1800 ले लो आप, 1800 ले लो आप एलसीएम। अब करके देखो इसको, कोशिश करो। देखिए, अभिनंदन 7.0 पर डिस्काउंट आया हुआ है और ये डिस्काउंट दशहरे तक चलने वाला है। अभिनंदन 7.0 Y761 कूपन कोड के साथ 599 में अवेलेबल हो गया है, 599 में। ये डिस्काउंट दशहरे पर हम आपके लिए लेकर आए हैं, 599 पर।
इसमें सभी टॉपिक मैंने करवा रखे हैं ए टू जेड। इसमें क्या है, आपको लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डेड भी मिलेगा, यानी कि इसमें आपको ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस इसमें लाइव चल रहा है। अर्थमेटिक में अभी रेशो, पार्टनरशिप और परसेंटेज, एसआई, सीआई, यही टॉपिक हुए हैं। इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस लाइव चल रहा है और रिकॉर्डिंग की फॉर्म में आपको सारे चैप्टर भी दिए गए हैं, रिकॉर्डिंग की फॉर्म में भी दिए गए हैं सारे, कोई भी चैप्टर आप आगे पीछे से कवर कर सकते हैं इस कूपन कोड के साथ है, ये ध्यान रखना, ये डिस्काउंट इसी कूपन कोड के साथ है, ठीक है। अब आना, इसको काटेंगे तो ये कितने पर जाएगा, 12 पर जाएगा ना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसको काटेंगे तो 6 पर जाएगा, ठीक है। और देखो आप, इसको काटेंगे तो कितने पर जाएगा, 4 पर जाएगा, 5 चौके 20, 2 कैरी 4 चौकी 16 और 2 18, इसको काटोगे तो 3 पर जाएगा, ठीक है। अब देखना 1800 की दूरी कितनी बार कवर हुई है, 4 बार कवर हुई है, और 12 और 6 18 या फिर 12 और 3 15 और 10 25, तो 25 हो गया हमारे पास ये, ठीक है। आप इसको काटेंगे 25 चौके 100 18 चौके 72 72 चौके 4 दुनी 8 7 चौके 28, 288, यानी कि ऑप्शन सी। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, सी क्या है परम सत्य है, सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, सी क्या है परम सत्य है, सभी क्लियर है। फिर से आप देखेंगे ये कितना हुआ 1800, 150 से भाग किया 12, ये कितना हुआ 1800, 300 से भाग किया 6, 1800 को 450 से भाग किया 4, 1800 को 600 से भाग किया 3, हमारे दूरी कितनी आ गई 1 2 3 4, 4 दूरी कवर की है, और टाइम कितना आ गया 25। सर 25 कहां से आया है, 25 हमारे पास आया इन सभी समय को जोड़कर 25 आ गया, तो इसलिए हमने इसको इससे भाग कर दिया। सभी को ये क्लियर है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखना, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापिस आता है, इस यात्रा में यदि 2 घंटे का समय लगता है तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करें कि उस स्थान की दूरी क्या है, बताइए जल्दी से। कह रहे सर 1800 कैसे आया, एलसीएम लिया है इनका, 150, 300, 450 का एलसीएम लिया है, एलसीएम है ये, ठीक है 1800 इसका एलसीएम है। आप सीखेंगे, एक तो चक्कर बदे क्या पड़ता है, रेगुलर क्लास में नहीं आते हो, ठीक है, धीरे धीरे अगर आप रेगुलर क्लास में आए तो आपको पूरा गेम समझ आ जाए। जैसे हमने 25 हार्ड डे चैलेंज रखा है YouTube पर है ये, 25 हार्ड डेज चैलेंज YouTube पर है ये सारा, ठीक है। अगर आप YouTube पर आए डेली सुबह 9 बजे, तो डेली कल से सुबह 9 बजे से एक एक चैप्टर कवर होना शुरू हो जाएगा, एक एक चैप्टर, और जैसे ही एक एक चैप्टर आप करते चले जाएंगे तो आपको एक लमसम प्रॉपर आइडिया लगता चला जाएगा, और देखना फिर आप में कितना सुधार आ जाएगा, 25 दिनों में ही आप जहाज बना दोगे। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे से वापिस आता है, हमें यह बताना है कि यदि उसको 2 घंटे का समय लगता है तो दूरी बताएं कि उस स्थान की दूरी क्या है, हमें यह बताना है। तो अब आप देखना, देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, 2 × S1 × S2 / S1 + S2, यही होती है। ये कब होती है, जब डिस्टेंस जाने और आने वाली सेम हो, 2 × 20 × 30 + 20 + 30, 2 × 20 × 30/50 आ गया हमारे पास। अब अगर आप इसको इससे काटेंगे, 0 से 0 गया, 5 × 30 गया, यही होगा। अब समय देखो कि समय कितना दे रखा है, 2 घंटे का समय दे रखा है, हाँ ना। पर एक बात यहां पर समझने वाली है, आप ये सोचेंगे कि सर स्पीड इंटू टाइम कर तो दिया, ये स्पीड और ये टाइम, 6 × 12 और 12 × 48, आप यहां पर 12 × 24 और 24 × 48, आप कहेंगे सर 48 आना चाहिए, पर 48 नहीं आएगा, क्यों,
क्योंकि ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है ए से बी की दूरी क्या है, पर आप क्या बता रहे हो ए से बी की और बी से ए की, यानी कि टोटल दूरी बता रहे हो आप, है ना, दो घंटे की दूरी बता रहे हो आप। आपको क्या करना है, इसको आधा करना है। क्यों आधा करना है, क्योंकि दूरी यहां से लेकर यहां तक की पूछी गई है। दो घंटे में तो आप यहां पर गए भी और यहां से वापिस भी आए, आपको इसका आधा कर देना है, क्योंकि आपसे ये पूछ रहा है कि ए से बी की दूरी क्या है, बस इसलिए आपने इसका आधा करना है। 24 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 24 क्या है, परम सत्य है। अब देखना, समझ गए आप सारी चीजें, अब देखना बहुत ध्यान से। जैसे देखो कि 100 किलोमीटर की दूरी है और आप स्पीड और टाइम की बात करना, आप स्पीड और टाइम की बात करना, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। यहां पर देखना, जैसे देखो आप अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएंगे तो आपको कितना समय लगेगा, बताओ मुझे, आपको कितना समय लगेगा, मुझे ये बताओ, आपको 2 घंटे का समय लगेगा। अगर आप 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएंगे तो आपको कितना समय लगेगा, बताओ, तो आपको कितना समय लगेगा, आपको 4 घंटे का समय लगेगा, बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा। इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप यह समझ रहे हैं कि हम जैसे ही स्पीड को कम कर रहे हैं तो समय ज्यादा लग रहा है। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, और ये रियल लाइफ भी है, ये रियल जिंदगी भी है कि नहीं। आप किसी जगह पर धीरे धीरे जाओ, मटकते हुए जाओ, ठीक है, आपको समय ज्यादा लगेगा। आप किसी जगह पर दौड़ कर जाओ, आपको समय कम लगेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्पीड और टाइम का रिलेशन उल्टा है कि नहीं, यानी कि चाल और समय का रिलेशन उल्टा है। चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा, ये बात तय है। अब देखो इनका रेशो, देखो कि इनका रेशो क्या है, 25 एकम 25, 25 दुनी 50, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, यानी कि जो स्पीड का रेशो था उसका उल्टा समय का रेशो है कि नहीं। जो स्पीड का रेशो है उसका उल्टा समय का रेशो है कि नहीं। मैं इसके उल्टे का मतलब यही होता है, 1/2, 1/1, और फिर ये 2 इधर गुना हो जाता है, ये 1 इधर गुना हो जाता है, तो 2:1 हो जाता है, ठीक है। ये बात आप समझते हो, इस बात में आपको क्लियर है, ठीक है, इसमें आपको क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखना इस क्वेश्चन का आंसर बताना। 3 कार की चाल हमें दे रखी है, हाँ भाई, प्लेलिस्ट इसलिए मिसिंग है ना, अचल सर की शॉर्ट एंड की प्लेलिस्ट इसलिए मिसिंग है कि उनकी क्लासेस को कोई ऑनलाइन चला रहा था, है ना, यूट्यूब की उनकी क्लासेस को ही कोई मान लो कोर्स में बेच रहा था, बताओ, शॉर्ट हैंड की उनकी क्लासेस को, इसलिए उनकी प्लेलिस्ट को हटा दिया गया है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, कहीं आप ही तो नहीं बेच रहे थे जो इतना परेशान हो, क्योंकि 2-3 दिनों से आप बहुत ज्यादा परेशान हो भाई, ठीक है। हाँ तो इसलिए इस बात को सुन लीजिए, वो प्लेलिस्ट अभी 2-4 दिनों में सेट करके कुछ डलेगी, है ना, वो 2-4 दिनों में सेट करके डलेगी कुछ दिनों में। स्पीड किस क्या, स्पीड का रेशो क्या है, चाल का रेशो क्या है, 3:4:8 है, ठीक है। तो आप यहां पर देखना कि टाइम का रेशो क्या होगा, 1/3, 1/4 और 1/8 होगा, 1/3, 1/4 और 1/8 होगा, बताओ आप कैसे करोगे। आप कहोगे सर हमें तो यार समझ ही नहीं आ रहा, मैं कैसे करूंगा, आप कहोगे सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं कैसे करूं अब मुझे बताओ, यही तो कहानी है, ठीक है। तो आपको यहां पर देखना है 3:4:8, तो एलसीएम क्या है, 24 है, तो एलसीएम क्या है, 24 है, 24 से गुना करो 8, इसको काटो 6
और इसको काटो, 3, 8, 6, 3 ऑप्शन सी। सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, सी क्या है? परम सत्य है। क्लियर? 3, 4, 8 का एलसीएम क्या है? 24 है। आपने 24 से गुना किया 8, 24 से गुना किया 6, 24 से गुना किया 3, तो आपके पास आ गया 8, 6, 3 और यही क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है और यही क्या है? परम सत्य है। अब इस क्वेश्चन को देखना, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई जहाज किसी निश्चित दूरी को 5-5.5 घंटे में तय करता है, ठीक है। समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उस जहाज की चाल कितनी होनी चाहिए, हमें यह बताना है। समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उस जहाज की चाल कितनी होनी चाहिए, हमसे ये पूछा गया, बताओ। देखिए एक बात तय है कि स्पीड इंटू टाइम क्या है? डिस्टेंस है। स्पीड इंटू टाइम, 5 × 10 और 1 × 11, 11/2। स्पीड इंटू टाइम यानी कि ये क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है? डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई। आपको अगर इसे 4 घंटे में तय करना है तो आप इसको 4 से भाग कर देंगे। आपको अगर इसे 4 घंटे में तय करना है तो आप इसको 4 से भाग कर देंगे। 4 × 8 और 8 × 32, ये कट गया। तो दूरी स्पीड क्या आ गई? 440 किलोमीटर पर आवर आ गई, 440 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी, बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी, बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। देखना, देखो एक चीज और मुझे बताओ आप, ठीक है। जैसे आप इस बात को मुझे बताना, ठीक है। आप अगर अपनी चाल को कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, मुझे ये सोचकर बताओ आप। आपको कहीं जाना है, आपने सोचा था पहले कि मैं गाड़ी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाऊंगा। उधर से बाबू का फोन आ गया, उन्होंने कहा अरे नहीं, आपकी जान बहुत कीमती है हमारे लिए, आप इतनी अगर तेजी से गाड़ी चलाएंगे तो हमें हमारा दिल धक धक करेगा। तो आपने सोचा अरे यार, अरे अरे अरे, तो आपने अपनी स्पीड को कम कर दिया। तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ये बताओ, सोच पा रहे हो कुछ? समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपने स्पीड को कम कर दिया है। समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और अगर आपने स्पीड को बढ़ा दिया होता तो समय कम लगता, यही होता ना। अब देखो कि आपने ये तय किया कि मैं अपनी चाल के 2/3 चाल से चलूंगा, आपने ये तय किया कि मैं अपनी स्पीड के 2/3 स्पीड पर चलूंगा, 2/3 स्पीड पर, 2/3 स्पीड पर, यानी कि 2/3 चाल पर, जो चाल आपने तय की थी, समझ रहे हो आप। यानी कि अगर आपने पहले चाल 3 तय की थी तो अब आप चलेंगे 2 से, ये बात से सहमत हैं कि नहीं है, बताओ। इस बात से सहमत हो कि नहीं हो, ये बताओ। ये सभी को समझ आ रहा है? एक बार अगर तुमने यस कर दिया फिर मैं तुम्हें मुकरने नहीं दूंगा, इस बात से याद रखना, मैं डंडा लेके तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। अगर तुमने अपनी स्पीड को तय किया था कि मैं 3 से चलूंगा तो आप 3 का 2/3 करेंगे तो 2 आएगा, तो आप 2 से चल रहे हैं, इस बात से सभी सहमत हैं, है ना। अगर आपने तय किया था कि मैं 3 की स्पीड से चलूंगा और आप उसका 2/3 से चल रहे हैं तो आप 2 से चल रहे हैं, इस बात से आप सहमत हैं, ठीक है, बताओ। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम 2:3 हो जाएगा। आपको कितना समय ज्यादा लग रहा है? रेशो के हिसाब से 1 यूनिट समय ज्यादा लग रहा है। कितना समय ज्यादा लग रहा है? 1 यूनिट समय ज्यादा लग रहा है, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। जहां पर जो भी नीचे वाला होगा ना, ये नीचे वाला, उसको आप अपनी पहले वाली स्पीड मान लेना, बस ऊपर वाली तो आपकी ऑटोमेटिकली अब वाली स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इस बात से सहमत हो, ठीक है भाई। चलूं अब इसको देखना, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय
सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है, उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए कि उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय क्या है, बताइए मुझे। तो आप यहां पर लिखेंगे टाइम। टाइम कैसे लिखेंगे कि उसने सोचा था कि नहीं, आप यहां लिखेंगे स्पीड, सॉरी चाल। चाल क्या लिखेंगे, उसने क्या सोचा था कि 8 से चलूंगा पर चला किससे, 7 से चला, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे समय यानी कि टाइम। तो टाइम क्या होगा, 7:8 होगा। स्पीड क्या है, 8:7। तो टाइम क्या है, 7:8। यहां पर आप देखना कि उसको कितना समय ज्यादा लग रहा है, 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि उसको अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये किसके बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। हमसे क्या पूछा गया, उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय ज्ञात करें। सामान्य तो उसने 7 का ही समय लेता था, तो 7 किसके बराबर है, 140 मिनट के बराबर है, यानी कि ऑप्शन बी के बराबर है। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। क्लियर है सभी को, बताओ। अगर वो हमसे ये पूछता कि अब कितना समय लगता है तो हम बताते 8 का, यानी कि 8 × 2 = 16, 160 का समय लगता है, समझ गए आप। तो इस तरह से आपको ये छोटी मगर मोटी बातें समझनी है और धीरे धीरे आपको ये गेम पूरा समझ आने लग जाएगा। देखो अब आपको एक गेम और मुझे बताना है, ठीक है, आपको एक गेम हल्का सा, आपको बस सुनते जाना है, ये कहानियों जैसा है। हाँ, आपको मजा बहुत आएगा इसमें अगर आपने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अगर आप ऐसे ही बैठे नहीं आ रहा मेरे को कुछ, अरे नहीं आएगा भाई, फिर तुझे तेरी रोनी सूरत को देखकर कुछ आता भी हुआ तो भी भाग जाएगा कि भाग यार इससे, तो ये बहुत रोतड़ू है यार, ठीक है। आप देखेंगे जैसे आपको पूरी मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे, बिल्कुल मस्त तरीके से, जैसे अब आप देख रहे हैं, और बिल्कुल नए क्वेश्चनों के साथ। ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाकर चले गए और आपके काम नहीं आ रहा कुछ, सारी चीजें बिल्कुल नए क्वेश्चनों के साथ। आप देखना, जैसे आप इस शहर में रहते हैं और ये इस शहर में रहती हैं, मान लेते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है, दोस्त है, मित्र है, मित्री है, कोई भी है। अब इसको देखना, आप लोगों ने तय किया कि हम मिलते हैं किसी दिन, आप लोगों ने तय किया हम किसी दिन मिलते हैं, ठीक है भाई। इधर से आप चल पड़े और इधर से ये भी चल पड़े, आप दोनों चल पड़े, ठीक है। ये चले हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये चले हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। यहां कहीं पर जाकर ये लोग मिल गए, कहीं पर, यहां कहीं पर जाकर ये लोग मिल गए, मिल गए ये लोग, मिलना था क्योंकि ये इधर से चले हैं और वो उधर से चले हैं, मिलना तो तय है। अब मुझे एक बात आप बता दो बस, जब ये मिलेंगे तो इनका समय बराबर होगा कि नहीं होगा, इतना बता दो मुझे बस। जब ये मिलेंगे तो इनको चलते हुए समय बराबर होगा कि नहीं होगा, हां के ना बता दो। उधर इधर से आप चले हैं, उधर से वो चले हैं, फोन पे पहले ही बात हो गई है कि भाई आप भी चल पड़ो, हम भी चल पड़े हैं, ठीक है। आप लोग दोनों चल पड़े हैं, है ना, चलने के बाद एक जगह पर जाकर मिल भी गए हैं और जैसे आप मिले हैं, बताओ, है ना, जैसे आप लोग मिले हैं तो आपने देखा दोनों को चलते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों को बराबर समय लगेगा, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों को चलते हुए समय बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कई लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से देखो, मान लो कि आप सुबह के 7 बजे चल पड़े और ये भी सुबह के 7 बजे चल पड़े, आप लोग यहां पर आकर मिल गए इस बिंदु पर, मान लो कि 7:30 बजे आकर मिल गए, मान लेते 7:30 बजे आप लोग आकर मिल गए। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं ये कह रहा हूं समय की बात कर रहा हूं, नो डिस्टेंस ना कि स्पीड, मैं समय की बात कर रहा हूं, क्या इनका समय और इनका समय बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। मैं कुछ भी एग्जांपल लिख रहा हूं, आप इससे कैलकुलेट मत करना, ठीक है,
मैं वैसी एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बराबर होगा ना समय, इनको भी आधा घंटा लगेगा, इनको भी आधा घंटा लगेगा, होगा ना समय बराबर, ठीक है। अब देखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखो, समय तो बराबर है, समय तो बराबर है ना, टाइम तो बराबर है ना, इसका मतलब क्या है, स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड और डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी यार, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करेगा, सिंपल सी बात थी बस। तो इसमें ये ऐसे कहना चाहता है कि जो भी स्पीड का रेशो होगा, जो भी स्पीड का अनुपात होगा, वही अनुपात डिस्टेंस का होगा, वही अनुपात दूरी का होगा, जो भी चाल का रेशो होगा वही अनुपात दूरी का होगा, बस ये कहना चाहता है। भाई जब दोनों को बराबरी समय लगा है तो जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी कम दूरी होगी वो कम दूरी तय करेगा, बस बात खत्म। अब इसको देखेंगे, आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको आराम से करना है। दो ट्रेन एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करती हैं। ए की चाल क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, बी की चाल क्या है, 27 किलोमीटर पर आवर। जब वे मिलती हैं तो देखो, सबसे पहले देखो, अब दोनों ने एक ही समय पर चलना शुरू किया और वो मिल गई, इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड का रेशो है वो क्या है, 10 और 27, तो दूरी का रेशो क्या है, 10 और 27, बस। और हमने यहां पर देखा कि भाई ये वाला बंदा ज्यादा दूरी कवर कर रहा है, कितनी ज्यादा, 17 ज्यादा, क्वेश्चन के हिसाब से 340 किलोमीटर ज्यादा कर रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 340 किलोमीटर ज्यादा कर रहा है, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो 17 किसके बराबर है, 340 किलोमीटर के। हमसे क्या पूछा, ए और बी के बीच की दूरी, इनका जोड़ ही तो दूरी होगी, इनका जोड़ ही क्या है, दूरी है, तो क्योंकि 10 की दूरी इसने कवर की, 27 की दूरी इसने कवर की, तो इनका जोड़ ही तो दूरी है, तो 340 बटे 17 गुना में 37, आप इसको काटेंगे तो 20 पर गया, 0, 7 × 14 एक कैरी, 3 × 6 = 7, 740, ऑप्शन ए, ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। मजा आया, सीखा है आपने कभी इतनी गहराई से, और कितना आसान कंसेप्ट है, स्पीड और दूरी का रेशो सेम है, है ना। यहां पर दूरी कितनी ज्यादा तय होगी, 17, ये 17 दूरी किसके बराबर है, 340 किलोमीटर के, टोटल दूरी क्या होगी, इन दोनों का जोड़ होगी, 10 और 27 37, यानी कि 37 के, तो 37 की वैल्यू क्या है, 740 है, तो 740 के बराबर होगी। क्लियर है सभी को, बताओ, एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर हुआ, मजा आया, मजा आना बहुत जरूरी है, गेम घुमाना बहुत जरूरी है, है ना, और गेम घूमना भी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हाँ इस क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखो, सौ किलोमीटर की दूरी में दो स्टेशनों से एक ही समय में शुरू होने वाली दो ट्रेन एक दूसरे की ओर जा रही हैं, ठीक है, और वे एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, ठीक है, हाँ देखो यहां पर दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर थी, और ये 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, ये दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है,
ये दूरी कितनी है? 30, दोनों ने सेम समय पर तय किया है। यहां पर हमें क्या दे रखा है? दूरी बता रखी है। एक ने 70 कवर की तो एक ने 30 कवर की, तो स्पीड क्या है, चाल क्या है? 7 और 3 है। तो चाल क्या है? 7 और 3 है। ऑप्शन सी। सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आया मजा? कितना आराम से हो गया ये क्वेश्चन। तो चलिए एक कंसेप्ट और समझते हैं जो आपके बहुत काम भी आएगा और जो आपकी बहुत मदद भी करेगा और रियल लाइफ से भी है। ठीक है, रियल लाइफ से। जैसे मैं एक चीज आपको कह रहा हूं कि आपने अपने घर से स्कूल जाना था, ठीक है, ये बात तय हो गई। आपने अपने घर से स्कूल जाना था, ये बात तय है। आपने सोचा कि मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूंगा, आपने ये सोचा। पर अगर आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो आपको 30 मिनट लेट हो जाते हैं, अधिक लगते हैं। 30 मिनट आपको 30 मिनट अधिक लगते हैं, आपको टी मिनट लगने चाहिए थे, पर आपको 30 मिनट अधिक लगते हैं इसलिए आप इसमें 30 मिनट जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ना। आप स्कूल में गए, मास्टर जी ने आपको बहुत ज्यादा वो किया कि यार समय पर आया करो, ये क्या है वो क्या, पूरा पीटा, बहुत एकदम से चिल्लम चिल्ली कर दिया। मतलब डंडे पहले वाले मास्टर मारते हुए बहुत थे। तो आप अगले दिन से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले और आप आज 20 मिनट पहले पहुंच गए हैं। आज आप 20 मिनट पहले पहुंच गए हैं। ये क्या है? ये है स्पीड और ये है टाइम। जब कभी भी हम स्पीड और टाइम को गुना करते हैं तो क्या आता है? दूरी आती है। बताओ, जब कभी भी हम स्पीड और टाइम को गुना करते हैं तो क्या आता है? दूरी आती है, डिस्टेंस आती है। आती है कि नहीं आती, बताओ। जानी कि हमें इससे यह पता चल रहा है कि यह क्या है, डिस्टेंस है। और मुझे एक बात बताओ, घर से स्कूल की दूरी जो है या फिर डिस्टेंस अगर मैं कहूं तो अगर आप तेज चलेंगे तो क्या डिस्टेंस बदल जाएगी? नहीं, डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगी, डिस्टेंस तो वही रहेगी। डिस्टेंस तो वही रहेगी। डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस ये है, ये दोनों डिस्टेंस है। तो इसलिए मैंने इन दोनों डिस्टेंस को आपस में बराबर कर दिया है, इसको और इसको बराबर कर दिया है। कोई दिक्कत तो ना है? सारी बातों को समझ रहे हो आप? फिर से समझा रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, आप अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे थे तो आप 30 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, इसलिए आपने इसमें 30 को जोड़ा है। और अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं तो आपको 20 मिनट कम लगते हैं, इसलिए आपने इसमें से 20 घटाया है। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ यस और नो, आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? समझ गए? अब देखना आप, ये क्या है डिस्टेंस और ये भी क्या है डिस्टेंस। आपके अगर किसी के मन में आ रहा हो कि सर ये स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है और ये टाइम मिनट में है, तो इसको 60 से भाग नहीं करेंगे क्या? किसी के मन में आ रहा हो, हाँ के ना, जल्दी से बताओ। बातें करने लग रहा है उससे, एक सेकंड में ये पूछने लग जाता है तुम कैसी हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। अरे उसके घर में सब मस्त चल रहा है, ठीक है, सब बहुत बढ़िया गुजर रहा है उसका जीवन पानी है। तू काहे टेंशन लेता है, इसको संभाल ले। यहां पर इसको अगर आप 60 से भाग भी करते और अगर आप इसको भी 60 से भाग करते तो 60 से 60 कट जाता, इसलिए मैं 60 से भाग नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं 60 से भाग नहीं कर रहा हूं क्योंकि 60 से 60 कट जाता, ठीक है भाई, ये 60 और 60 आपस में कट जाता, इसलिए मैं इसको 60 से भाग नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखना इसमें क्या कह रहा है, इसको रुक जाना, इस पर आना। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है और वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है तो टी प्लस में 10 होगा, ठीक है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है
तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है तो टी प्लस में 5 होगा। व्यक्ति को सही समय पर गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितने मिनटों में यात्रा पूरी करनी होगी हमसे ये पूछा गया, यानी कि हमसे टी की वैल्यू पूछी गई है। हमसे क्या पूछा है? टी की वैल्यू पूछी है। फिर से समझ लो, जिनको नहीं समझ आया फिर से देख लो। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो 10 मिनट की देरी करता, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट की देरी करता है, ठीक है ना। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट की देरी करता है। ये क्या हुआ? T प्लस में 10। ये क्या हुआ? T प्लस में 5। 15 से काटो, 15 से 45, 15 चौके 60। इसको 3 से गुना करो, 3T प्लस में 30, 4T प्लस में 20। तो T की वैल्यू क्या है? 10 है, और वो भी क्या? 10 मिनट है। इसलिए ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इसलिए ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। बताओ, मैंने तो यार 1 सेकंड में निकल गया आंसर, कुछ हुआ ही नहीं हमें तो यार, 1 सेकंड में उत्तर आ गया यार, बहुत मजा भी आया अलग से। फिर से आप देखेंगे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टी प्लस में 10 होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टी प्लस में 5 होगा, आ गया हमारा उत्तर। तो अगर वो हमसे डिस्टेंस पूछ लेता, दूरी पूछ लेता, तो आप इस 10 को यहां रख देते और इसको 60 से भाग करते क्योंकि मिनट में है, फिर स्पीड से गुणा कर देते तो दूरी आ जाती। बस समझ गए अब आप इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अब उड़ा दोगे। चलो अब देखना इस क्वेश्चन का उत्तर करना। यदि रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है ना, तो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, ठीक है, तो T प्लस में 15 हो जाएगा। अगर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है, तो वो 5 मिनट की देरी से पहुंचती है, ठीक है। यात्रा तय करने का सही समय बताओ, कि सही समय क्या है बताओ। 18 × 90, 18 × 72। करोगे कि नहीं करोगे ऐसे? बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे, बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, बताओ, बताइए। एक चीज आपको और बता रहा हूं, अभिनंदन 7.0 जो हमारा मैथ स्पेशल बैच है, इस पर Y761 कूपन कोड के साथ ये आपको 599 में अवेलेबल हो रहा है। 599 में आप इसको आज ही ले सकते हैं। जैसे आप ये एक क्लास देख रहे हैं, इस तरह की सारी क्लासेस रियल लाइफ से कनेक्टेड, एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में, ठीक है, ये एप्लीकेशन पर है। और अभी सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट आ गया है, अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्स नहीं लेना हो तो आप अब ले सकते हैं। कूपन कोड यही लगाइएगा, Y761 Y761, ठीक है, 7 में से 6 गया 1, इस तरह से आप देखना। आप इसको देखेंगे 4T प्लस में 15 चौके 60, 5T प्लस में 25, तो T की वैल्यू क्या है? 60 में से 25 क्या? तो हम यहां पर देखेंगे T की वैल्यू क्या है, हम यहां देखेंगे तो हमारे पास आएगा 15 चौके 60, 4T, 5T, हाँ, तो द करेक्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस, तो आप यहां 5 में से 2 गया 3, 35 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। डी क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन डी, डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। डी क्या है? परम सत्य है। सभी क्लियर है? चलो देखो इस क्वेश्चन को मुझे करके देखो। एक क्वेश्चन, एक चीज और समझना, बहुत मजा आएगा। अब इतना मजा आएगा ना आपको कि जिंदगी में जितना मजा नहीं आएगा। आप ध्यान से देखो, जैसे कि देखो अब यहां पर आप बैठे हैं और यहां पर ये बैठी हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर कौन, मैं क्यों बताऊं, ठीक है, आपका कोई प्रिय है, आप देख लीजिए आपका प्रिय कौन है। जो भी आपका प्रिय है वो यहां पर बैठा है, ठीक है।
आप यहां पर बैठे हैं और आपका प्रिय यहां बैठा है, आप लोगों ने आपस में फोन पर बात की, हेलो कैसे हैं आप, मैं अच्छा हूं, आप बताइए, अरे यार बहुत दिन हो गए, हम आपस में कहीं बैठकर लंच भी नहीं किए, अरे तो क्या हुआ आज बैठ जाते हैं, ये तो दिलों की बातें, अरे रुक जा भाई रुक जा, यहां पर आप लोगों ने तय किया कि चलो आज लंच इकट्ठे करते हैं, ये बात तय हुई, ठीक है भाई लंच इकट्ठे कर लो भाई, ठीक है भाई हमें क्या, इधर से आपने अपनी स्कूटी को उठाया, ठीक है स्कूटी मत लेकर जाओ बुरा लगेगा, बाइक तो कम से कम लेकर जाओ, मैं तो कहूंगा तुम गाड़ी से जाओ, मर्सिडीज लेकर जाओ यार अपनी, ठीक है तुमने अपनी मर्सिडीज निकाली यार इधर से, यार मर्सिडीज से जाएंगे यार, 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से तुमने दौड़ा दी, ठीक है इधर से इन्होंने अपनी स्कूटी को निकाला और इन्होंने भी आज इसको 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ाई दिया उसको, ठीक है दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ चले, ठीक है मंजिल एक, रास्ते एक, लंच करना है ये तय है, दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। तो मुझे एक बात बता दो यार, ठीक है मुझे एक बात बताओ, अगर आप दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हो तो आप इस डिस्टेंस को कम समय में तय करोगे या ज्यादा समय में तय करोगे, बस इतना बता दो आप मुझे, आप इस डिस्टेंस को कम समय में तय करोगे भाई, क्यों? क्योंकि आप लोगों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी, आप लोगों की स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं, यही कंसेप्ट है, बताओ क्या टफ है यार इसमें, यार बता दो मुझे तो कुछ टफ नहीं लगा यार, कितना रियल लाइफ का कंसेप्ट है यार, कितना मस्त कंसेप्ट है यार, उधर से वो चल रहे हैं इधर से हम चल रहे हैं, बीच रास्ते में मिलना तय हुआ है, बताओ यार क्या होगा यार, स्पीड जुड़ेगी मेरे भाई, स्पीड जुड़ेगी, स्पीड भी शर्मा जाएगी कि उसको जुड़ना ही पड़ेगा, स्पीड जुड़ेगी मेरे दोस्त, अपोजिट डायरेक्शन है विपरीत दिशा है, बताओ है कि नहीं है, इस बात को समझे कि नहीं समझे, सर इसमें तो ना समझने वाली कोई बात ही नहीं थी, जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है बताओ, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है बताओ, ऐसा मजाक करता है बताओ भाई, ये क्लास हर किसी एग्जाम के लिए है, मस्त क्लास है ये, और ये ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा था इतना बढ़िया से आपको समझाऊंगा ना एक एक चीज, आपको लगेगा कि हाँ हम कहीं पढ़ रहे हैं, आपको अंदर से महसूस होगा कि यार अरे यार इतना इंटरेस्टिंग होता है क्या यार मैथ्स, मैथ्स की ये कीमत है क्या यार, अरे यार ठीक है, जैसे आपने देखा कि आप यहां से चले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये यहां से चले 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, टोटल डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे 24 किलोमीटर की दूरी है, दोनों अपोजिट चले तो चाल जुड़ जाएगी, जुड़ेगी तो एक घंटा आ जाएगा, तो एक घंटा क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी क्या है परम सत्य, बताओ आया मजा कि नहीं आया, गेम घूमा कि नहीं घूमा, तसल्ली हुई कि नहीं हुई, बताओ हुई तसल्ली, आया मजा, देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, दो रेलगाड़ियां ए और बी दो अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं, वे एक घंटा 30 मिनट के बाद मिलती हैं, जब रेलगाड़ियों ने चलना शुरू किया तो वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर थी, हमसे ये पूछा गया, यानी कि हमारे पास एक रेलगाड़ी चली 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरी चली 82 किलोमीटर पर आवर की चाल से, इनको समय कितना लगा, 1 घंटा 30 मिनट, इसको आवर्स में बदलो तो भाई 3/2 घंटे लगे, इनको मिलने में कितने घंटे लगे, 3/2 घंटे लगे, ठीक है
यहां पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं ट्रेन, तो स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी 80 प्लस में 82 यानी कि 162, स्पीड इंटू टाइम यानी कि 3/2 से गुना 81, 3 और 8 24 243, तो इनके इन्होंने दूरी कितनी तय की है 243 तय की है, 243 तय की है। आपको भी समझ आने लग गया है यार, आज मुझे बता दो आज किन किन को पूरा सीखने में मजा आ रहा है और वो ये समझ गए हैं, वो ये समझ गए हैं कि भाई ये चैप्टर भी बहुत आसान था, हम तो ऐसे ही डर रहे थे, वो इस बात को समझ गए हैं। जैसे अब देखना, जैसे मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं गौर से सुनना मेरी बात को। जैसे मान लो कि ये ट्रेन चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और ये ट्रेन चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, ये है। हमें पता है कि ये ट्रेन यहां पर आकर मिल जाएंगी, हमें ये पता है कि ये ट्रेन यहां पर आकर मिल जाएंगी, ठीक है भाई। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि इन दोनों ट्रेन के मिलने से आधा घंटा पहले इनके बीच की दूरी क्या है, क्या बता सकते हो? अरे सर क्या पूछ लिया ए मां, ये क्या पूछ, अरे कुछ नहीं है, सोचो पहले थोड़ा सा। प्रॉब्लम पता है कहां आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है आप सोचना नहीं चाहते हो, आप ये चाहते हो कोई आए कहे हे शिष्य तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम्हारा ही तो इंतजार था, ऐसे भरे है ना जवानी में तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कि तुम्हें जॉब कब देंगे हम सौभाग्यवती हो गए तुम्हें जॉब देकर। ध्यान से सुनो फिर से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनके मिलने के 30 मिनट पहले, यानी कि मान लो कि यहां पहुंचे और ये यहां पहुंचे, आपको पता है कि अब इनको मिलने में 30 मिनट और लगेंगे, आपको ये पता है, आपको ये बताना है कि ये दूरी क्या है, आपको ये दूरी बतानी है, बता सकते हो आप? बिल्कुल, जिनका भी 20 उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही कर रहे हैं, अब वो गेम को समझने लगे हैं। एक्चुअली यहां पर ये बात समझने वाली थी कि जब इनको 30 मिनट रह जाएंगे ना मिलने के, 30 मिनट मिलने में रह जाएंगे, तो ये लोगों की मतलब 30 मिनट रह गए मिलने में, स्पीड क्या है पहले ये देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड जुड़ रही है, स्पीड तो 40 है, ठीक है। अगले 30 मिनट में ये मिलेंगे यानी कि आधे घंटे में ये मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है, दूरी कितनी है इनके बीच की, 20 किलोमीटर की दूरी है, दूरी कितनी है इनके बीच की, 20 किलोमीटर की दूरी है बस, तो 20 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। समझे कि नहीं समझे, फिर से आप समझ लो, फिर से आपको समझा रहा हूं। आपने यहां पर देखा कि दोनों की स्पीड क्या थी, 10 और 30 40, अगले आधे घंटे में ये मिलेंगे, इसका मतलब क्या है, अगले आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, 20 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, तो इसका मतलब यही तो गैप था इनके बीच में, इसी गैप को तो ये लोग कवर करेंगे बस, तो इसी चीज को हमें समझना था बस 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 बस। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखोगे ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दो रेलगाड़ियां 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे को पार करने से 10 मिनट पहले उनके बीच की दूरी ज्ञात करो, बताओ एक दूसरे को पार करने से, अब हमें पता है कि इनको पार करने में एक दूसरे को 10 मिनट लगेंगे बस, हमें यह दूरी बतानी है कि यह दूरी क्या है, बताओ बताइए, ये दूरी बतानी है, बताओ हमें बताए 80 और 120 200 कितना समय, 10 मिनट है तो आवर्स में बदलेंगे तो 60 से भाग करें, मिनट को आवर में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो 60 से भाग कर दिया, 2 से काटेंगे तो 100/3 हो गया,
100 बटे 3 हो गया तो 33.33 हो गया, ठीक है 33.33। ऑप्शन डी, डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, डी क्या है परम सत्य है, बिल्कुल अच्छा। अब देखना, चलिए मिलन तो हो गया, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, ठीक है मिलन तो हो गया, मिलना आसान नहीं है, ओ सॉरी पहली बात तो मिलना ही डिफिकल्ट है, चलो मिलन हो भी गया, मिलन होने के बाद लंबे समय तक साथ रहना भी तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ये कोई कम क्लास थोड़ी ना है, ठीक है तुम कह रहे हो मुझे पढ़ना है, अभिनंदन सर की क्लास चल रही है, मुझे कुछ सीखना है, वो कह रही है कि मुझे तो आज संडे है घूमने जाना है, अब ये तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय हो गया। अब देखो एक बात मैं आपको और भी समझा रहा हूं, लड़कियां पढ़ लेती हैं यार, ये बात तुम ध्यान रखना, कहीं तुम उनके चक्कर में ना पड़ो कि तुम तो मेरे साथ रात को बात कर रही थी 10 से 11 बजे, वो साथ साथ क्लास भी ले रही होती हैं, ये बात तुम ध्यान रखना, इस बात में मतलब मैं आपको ये कहीं लिख कर भी दे सकता हूं आपको, वो पढ़ लेती हैं ठीक है, और वो आपको लास्ट में ये कहेंगी कि अरे यार ऐसे ही दे आई मैं तो पेपर, ऐसे ही हो गया बस, ऐसे ही हो गया, पता नहीं मेरे को पता नहीं चला कैसे हो गया सिलेक्शन, हाँ सच्ची कह रहा हूँ ये बात तुम्हें मैं, ठीक है तुम अपनी पढ़ाई मत खराब करना, कहीं तुम चक्कर में रह रहो कि ये तो पढ़ नहीं रही है, ये भी हमारे साथ ही घूमे, ऐसा कुछ नहीं है, वो पढ़ लेती है, वो सो कम लेंगी, खा कम लेंगी, घूम कम लेंगी वो, पर वो पढ़ जरूर लेंगी, इस बात को तुम ध्यान रखना, कहीं तुम बाद में मुझे कहोगी सर बताया नहीं, ठीक है चलो अब इस पर आ लो, ठीक है अब देखना, मिलन हुआ, मिलना बहुत जरूरी है, मिले आप, कुछ देर बैठकर बातें हुई लंच टाइम में, बहुत अच्छा लगा, ठीक है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने बातें बातें की, थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, आपने कहा अरे यार तुम उससे क्यों बात करती हो यार, वो तो मेरा दुश्मन है, उसने कहा यार वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, और बेस्ट फ्रेंड के मामले में तो तुम्हें पता ही है फिर क्या कुछ हो जाता है, मतलब बेस्ट फ्रेंड को लेकर तो मतलब इतना तगड़ा सिस्टम है ना, मतलब इस दुनिया में मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा रिलेशनशिप इसलिए टूट जाते होंगे क्योंकि बेस्ट फ्रेंड ये बीच में घुस जाता है, ये आधा काम तो ये खराब करता है, ठीक है इसने बहुत खून पिया है। अब सुनना, तो लड़कियां हैं भाई, बात हो गई किसी बात पर, बात छिड़ गई, उसने कहा कि भाई बेस्ट फ्रेंड है उसको नहीं हम वो कर सकते किसी भी कीमत पे, तुमने कहा कि नहीं कर सकते तो फिर ठीक है यार, नहीं कर सकते तो ठीक है चलो हम भी देखते हैं कब तक ऐसे चलेगा। ये गुस्से हुई, इन्होंने अपनी स्कूटी उठाई और ये भाग गई यहां से 80 किलोमीटर की स्पीड से, इन्होंने अपनी स्कूटी को उड़ाना शुरू किया, इनकी इनका बस चलता तो इसको ये 100 पर ले जाती, ठोक देती आज किसी को, पर हमने इनको समझाया कि आराम से जाना, तुम हमने स्पीड पर कंट्रोल रखा है, आपने अपनी मर्सिडीज उठाई ठीक है और आप भी अपना इस तरफ भागे, आपने थोड़ा सा संयम रखा और आपने भी चलो आपने भी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया, आपने भी कहा यार ठीक है यार, ठीक है यार सब ठीक है यार, हमने जो रातें तुम्हारे लिए कुर्बान की हैं सब ठीक है यार, मतलब हम भूल गए तुम अब ठीक है उसके लिए तुम कुछ भी मतलब हैं, हम तुम्हारे लिए कितनी दूर से चलकर आते हैं ये है वो है, ठीक है चलो अब सब मतलब टूटा तो टूटा, टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा मतलब फिर मुड़कर नहीं आया, अब जब टूट गए ना तुम लोग तो वापिस जा रहे हो एक दूसरे की ओर, ठीक है भाई क्या हो रहा है ये मैथमेटिक्स में आओ वापिस, अरे ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, स्पीड जुड़ेगी कि घटेगी सोच कर बताना, स्पीड जुड़ेगी कि घटेगी सोच कर बताना, ये बात कि स्पीड जुड़ेगी कि घटेगी ये बात सोच कर बताना, बताओ स्पीड जुड़ेगी या घटेगी सोच कर बताइएगा क्या होगा स्पीड का, ठीक है आप कह रहे हैं सर हम भावना में आ गए आप स्पीड पे आ गए, अरे यार क्या यार सर मजा खराब कर दिया, स्पीड जुड़ेगी क्या घटेगी सोच कर बताओ वापिस आओ मेरे भाई, कह रहे स्पीड घटेगी 40 हो जाएगी कैसी बातें करता है, यही तो चक्कर है तुम्हारा, यहीं पर तो तुम मार खा रहे हो, तभी तो वो जा रही है और तुम उसे रोक भी नहीं पा रहे हो, यही तो चक्कर है मेरे लाला,
अगर तुम इसको रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर लेते ना, थोड़ा सा भी दिमाग पर जोर डालते कि भाई मैं एक घंटे में 120 किलोमीटर इधर आ जाऊंगा और वो एक घंटे में 80 किलोमीटर उधर चली जाएगी, तो हम एक घंटे में 200 किलोमीटर का गैप कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है? स्पीड तो जुड़ेगी। एक घंटे में तुम इधर आ गए 120 और वो उधर चली गई 80, एक घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। एक घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी, ये 200 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय हो गई है, ठीक है, तो स्पीड जुड़ेगी कि घटेगी? हे छोड़कर ना जाए तो तुमको क्या करे वो, स्पीड जुड़ेगी। स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी, क्योंकि ये भी केस कौन सा है? अपोजिट डायरेक्शन का है। ये भी केस कौन सा है? अपोजिट डायरेक्शन का है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही तो जा रहे हो, एक इधर और एक इधर, अपोजिट ही तो जा रहे हो, ठीक है, पर ये अपोजिट डायरेक्शन, ये विपरीत दिशा कुछ और है। वो मिलन था, ये बिछोड़ा है, ठीक है, ये वो मिलन था और ये क्या है? बिछड़ना है किसी से। ये दर्द भरा है, वो सुकून भरा था, उसमें जोश था, एनर्जी थी, है ना, कुछ इच्छाएं थी, तमन्नाएं थी, और इसमें रोना है, आंखें भारी हैं पर चले चले जा रहे हैं, क्योंकि चलना ही है, और ईगो आगे आ गई है, एक दूसरे का मतलब वो आगे आ गया कि अहम आगे आ गया है, और एक दूसरे का मतलब आ गया, बहुत कुछ आ गया, अब पढ़ना ही जरूरी है। अब इसको आप समझ गए, इसको देखना। अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में कर्मश है। अमित और सुमित एक ही दिशाओं से, ठीक है, एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में कर्मश है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं। 4 घंटे के बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? जल्दी से आप बताएंगे। 4 घंटे के बाद बताइए, बिल्कुल, स्पीड क्या होगी बताइए? जुड़ेगी। चाल क्या होगी? जुड़ेगी। स्पीड 6 + 4 = 10 होगी, और समय कितना लगेगा? 4 घंटे का समय लगेगा। तो भाई डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम, 10 × 4 यानी कि 40। ऑप्शन डी, डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, डी क्या है? परम सत्य है। चलिए बहुत अच्छी बात, जब ये सब हो जाता है, इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो, और नहीं तो आपके पास क्लास तो अवेलेबल रहेगी। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आज क्लास में। मेरे को आज पढ़ाने के में भी बहुत समय बाद इतना मज़ा आया है ना, हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं आज क्लास को। ध्यान से आप देखना, जब दो बंदे बिछड़ जाते हैं तो कुछ आउटसोर्सिंग के लोग आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि एक बार इनको मिला दिया जाए, कैसे भी कर गया, ठीक है, तो भागम भाग बहुत चली, बहुत बार बहुत कुछ तय हुआ है ना, और बहुत बार मिलाने का बात किया गया, प्रयास किया गया कि समस्याओं को सुलझाया जाए, कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो क्या हो जाएगा, ऐसे तो इतना जल्दी थोड़ी ना होता है, अभी तो सब मिले थे, अभी तो ऐसा हुआ था, अभी क्या ऐसा भी क्या हो गया, ठीक है, तो कल तक तो तुम कहती थी वो बहुत अच्छे हैं, अब तुम कह रहे हो कि वो अच्छी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो मतलब बीच बचाव वाले भी लोग आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं लोग बहुत सारे, और वो लोग कहते हैं कि ठीक है यार, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ठीक है, ऐसे लोग भी आ जाते हैं। तो अब आप देखोगे कि आप लोगों की मीटिंग फिक्स करवाएगी यहाँ पर, आप लोग यहाँ मिले, और अब की बार आप आए हैं, बढ़िया से आप बैठे हैं और आराम से आपने बात करना शुरू किया है कि और कैसी हो तुम, अब तो तुमने हमारे बिना खाना खाना भी सीख लिया है, पहले तो तुम कहती थी कि तुम्हारी आवाज़ सुने बिना रात को नींद नहीं आती है, अब तो तुम रात को सोने भी अच्छे से लग गई हो मैंने सुना है, फिर वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हारी ज़िंदगी तुम अपना देखो, हमारी ज़िंदगी हम अपना देखेंगे, तुम्हारा अहम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है। तुम बोलते हो कि अरे अरे ऐसे कैसे,
बोल कैसे रही हो तुम, बोल कैसे रही हो, बात कैसे कर रही हो तुम, हमारी भी कुछ इज्जत है। इसी बात को लेकर इतना बवाल बढ़ जाता है कि ये कहती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसे ही करने वाले हो, मैं उसको कह रही थी कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं फिर वहां पे। तो यहां पर ये बात इतनी बढ़ जाती है कि अपनी स्कूटी लेके भाग चलती है, ठीक है, ये अपनी स्कूटी फिर उठाती है और इस बार ये 80 किलोमीटर पर नहीं 60 किलोमीटर की चाल से जाती है, जाती है 60 की चाल से। और इनको भी पता है कि पीछे तो आएगा ये, इसलिए 80 से नहीं जा रही है, इनको पता है कि इसका पीछे आना तय है, ठीक है। इतने में अब आपको भी 2 मिनट आप 3 मिनट बैठते हो, थोड़ा सोचते हो आप, अरे यार क्या यार क्या 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 यार, पूरा दिमाग खराब हो गया यार, बेफालतू में गुस्सा कर दिया यार, बेचारी गुस्सा होकर चलेगी यार, गुस्सा होकर चलेगी। तो आप भी अपनी गाड़ी उठाते हो और इस बार अपनी आप गाड़ी इनको इनके पीछे लगा देते हो और गाड़ी आप चलाते हो 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब यहां पर ये बहुत बढ़िया गेम बन रहा है, अब गेम यहां पर ये आ रहा है कि ये जा रही हैं, ठीक है, आप पीछे पीछे इनके जा रहे हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि इन दोनों की जो ये स्पीड है ना यार, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, मुझे इतना बता दो, दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अलग है, अपोजिट है, विपरीत है, क्या है, आपको ये क्या लग रहा है बताओ, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, घना डायरेक्शन क्या है इन दोनों की बताओ, ठीक है बताओ। कह रहे यार, यार सर मैथ्स कहां से आ जाती है बीच में यार, इतना मस्त मजा चल रहा था, जल्दी से बताओ इन दोनों की डायरेक्शन क्या है बताओ। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, समान है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, समान डायरेक्शन है कि नहीं। और अगर आप इसको एनालिसिस भी करोगे ना, तो एक घंटे में ये चलेंगी 60 किलोमीटर और एक घंटे में आप चलोगे 100 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा आप तय कर दोगे, करोगे कि नहीं, 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा आप तय कर दोगे। और यही तो हमें पता करना होता है बस, इसलिए स्पीड क्या होगी, घटेगी, इसलिए स्पीड क्या होगी, घटेगी। जब कभी भी दो चीजें एक ही दिशा में चलती हैं, सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो स्पीड क्या होती है, घटती है। तो इसी बात को आप समझना कि व्हेन टू थिंग्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन स्पीड शुड बी डिफरेंट, ठीक है, देन वी टेक डिफरेंस ऑफ स्पीड, देन वी टेक डिफरेंस ऑफ स्पीड, बस इसी बात को आपने समझना है। ऐसे थोड़ी ना कह रहा कि जो चला गया वो चला गया, ऐसे कैसे चला गया, दुख देकर गया है वो हमें, दर्द देकर गया है वो हमें, एहसास देकर गया है वो हमें। और एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, दिल पे लगने की बात होती है, दिल पे लग जाए तो छोटी सी चीज लग जाए और दिल पे ना लगे तो ना लगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो ये बात कहते हैं कि सर मुझे इसलिए कामयाब होना है कि मुझे उसको दिखा देना है। यार तू गई तो गई कैसे, अरे ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। दो व्यक्ति पी और क्यू, पी और क्यू एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है, वे दोनों कर्मशः 12 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से समान दिशा में साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, कितने समय में पी क्यू को ओवरटेक कर देगा, हमसे यह पूछा गया, कितने समय में पी है ना क्यू को ओवरटेक कर देगा, हमें यह बताना है। तो 12 में से 8 गया 4, 4 से आप इसको भाग करेंगे तो यहां पर यह क्या बनेगा, 211 क्या होगा बताओ, 211 सेकंड होगा, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो बराबर क्या होगा, 3 31 और 60 यही होगा बताओ,
180 और यहां पर 31, तो 3 सही 31 बटे 60, और इसको सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुना करोगे तो 3 मिनट 31 सेकंड, यानी कि 3 मिनट 31 सेकंड ऑप्शन डी। डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 3 मिनट 31 सेकंड ऑप्शन डी। डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। समझना, देखो अब कहानी कुछ थोड़ी थोड़ी और मतलब मजेदार होती चली जाएगी और गेम में मजा आएगा। अब मजा कैसे आएगा आप ध्यान से समझना। अब क्या होगा, यहां पर तो हमें समय आवर्स में दे रखा था, अगर समय आवर्स में ना दे रखा हो तो कैसे करेंगे, वो भी कर लेंगे। जैसे मान लो कि एक ट्रेन चली सुबह 8 बजे और वो 10 बजे कहीं पहुंची, मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहुंची, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसने कितनी दूरी तय की है? क्या बता सकते हैं बताइए। एक ट्रेन चली ठीक है 8 बजे और पहुंची 10 बजे, तो इसने 2 घंटे का समय लिया ना। बताओ किस चाल से, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दूरी कितनी तय कर दी, 50 गुना में 2, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। 50 गुना, ये नीतीश को देख रहे हो तुम, नीतीश को देख रहे हो तुम, क्या कर रहा है ये हैं? देख रहे हो तुम, किसी को परेशान कर रहा है ये पागल, ठीक है, देख रहे हो तुम गेम कितना पेकार कर रहा है ये। अभी इसको लाइव एग्जांपल समझाया, ऐसी भटकता फिरेगा तू भी गले गले, ठीक है, कभी तू उसके पीछे, कभी तुम उसके है ना दूर भागोगे, कभी पास आओगे, मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, आदमी को ये लगता है कि इससे बढ़िया जिंदगी तो पहले ही चल रही थी, ये कहां आ गए हम, ये अलग ही दुनिया में उतर आया हूं मैं, ठीक है, गेम कुछ समझ नहीं आता, दिमाग में टेंशन हो जाती है, ठीक है, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। इधर देखोगे इसमें क्या कह रहा है, 2 ट्रेन 7 AM पर दिल्ली और पूना ठीक है से कर्मशः 85 किलोमीटर पर आवर और 67 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। 85 किलोमीटर पर आवर और 67 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। यदि वे दोनों एक दूसरे को 3:30 PM पर 7 AM पर निकलती हैं और 3:30 PM पर क्रॉस करती हैं, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, बताओ। अब देखना, ये दोनों पहले यहां पर कैलकुलेट कर लो कि समय कितना लग रहा है इसको, पहले ये कैलकुलेट कर लो, 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि 8.5 घंटे लग रहे हैं। अब इन दोनों की स्पीड को जोड़ दो, 7 और 5, 12, 1 कैरी 152, 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 76 हो, 76 को 17 से गुना करोगे तो इकाई अंक 2 होगा, इकाई अंक 2 ये रहा, तो ऑप्शन सी होगा। सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, सी क्या है, परम सत्य है, इकाई अंक 2 होगा, यानी कि ऑप्शन सी। सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। क्लियर है सभी को? फिर से देख लो, 7 बजे ट्रेनें चली और 3:30 बजे मिली, यानी कि 8.5 घंटे हो गए, 8.5 घंटे अगर आप चलेंगे तो 152 किलोमीटर की दूरी, और सॉरी 152 किलोमीटर की स्पीड, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, जुड़ती है, इसलिए दोनों की स्पीड क्या हो गई, जुड़ गई। इस क्वेश्चन को बताओ, इसको बताओ, अब इसका क्या उत्तर होगा बताइए। बताएंगे एक कार 3 PM पर
यानी कि शाम को 3 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी कार 4 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू करती है। दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी आपको ये बताना है। कह रहा 6 बजे। वाह भाई वाह। यही आपको बता रहा हूं अभिनंदन। 7.0 पर जो हमारा बैच 730 रुपए का है उसको हमने 599 का कर दिया है। दशहरे तक ये ऑफर है। Y761 है ना, इस कूपन कोड के साथ आपको ये अवेलेबल है। अड्डा एप्लीकेशन पर है। मैस बोरिंग हो ही नहीं सकता इस बात को लेकर मैं कहीं भी लिखने के लिए तैयार हूं। बताओ, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, इस बैच में मैं अर्थमेटिक और एडवांस पूरा आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को पूरा डिटेल में ये पढ़ाता हूँ और एक एक चीज बिल्कुल नए क्वेश्चनों के साथ। आप ये देखो, यहीं पर मैंने इतने नए और लेटेस्ट क्वेश्चन रखे हैं तो वहां पर तो हम धुआं ही काट देते हैं। इस क्वेश्चन को देखना आप। एक कार 3 PM पर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। दूसरी कार 4 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू करती है। दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी हमसे ये पूछा गया। ध्यान से समझना आप। जैसे देखो, जब ये कार 3 बजे चली तो इसकी स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। जब ये कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, ये चली 4 बजे, ये चली 3 बजे। अब जो 3 बजे चार कार चली है, 4 बजे तक वो कहां पहुंच गई होगी, यहां पहुंच गई होगी। यानी कि उसने 50 किलोमीटर के गैप को क्रिएट कर दिया होगा। बताओ, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। ठीक है, पीछे से आप चले, आपने कहा अरे यार मुझे तो इस ट्रेन को पकड़ना है। अब आप चले हो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आपकी और उनकी स्पीड का डिफरेंस क्या है, 25। डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। दूरी यानी कि गैप कितना आ गया है 50 किलोमीटर का, तो समय कितना लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। यानी कि 4 बजने के 2 घंटे बाद 6 बजे, 4 बजने के 2 घंटे बाद 6 बजे। ये कभी भी मत सोचना कि मैं तो इसको 3 में जोड़ूंगा क्योंकि ये ट्रेन तो 3 बजे चली थी। नहीं, पिछली ट्रेन 4 बजे चली है और वही ट्रेन तो इसको पकड़ेगी, इसलिए उस ट्रेन के समय में इसको जोड़ेंगे, इसलिए उस ट्रेन के समय में इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है भाई, चलो एक बात और समझना, एक बात आप और समझना जिससे आपको और ज्यादा मजा आएगा। देखो मेरी बात को गौर से सुनना। जैसे मान लो कि ये हमारे दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, आप यहां से चलते हैं और मैं यहां से चलता हूं, समझना आप थोड़ा सा। ठीक है, वही वाली बात आएगी। ठीक है, जैसे फोन पर बात हुई, तय हुआ कि आप और मैं सुबह 7 बजे निकल जाएंगे और आज हम यहां पर आकर मिल जाएंगे, कहीं कहीं बैठेंगे, थोड़ा चाय पियेंगे, बातें करेंगे। हो सकता है आप कोई नया हो, मतलब किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आदमी ज्यादा दिन अकेले नहीं रह सकता, परेशान हो जाता है आदमी, विचलित हो जाता है और अंदर से घबराहट हो जाती है। ठीक है, इसको देखना। जैसे आप लोगों ने तय किया कि तुम भी 7 बजे चल पड़ना और मैं भी 7 बजे यहां से चल पड़ूंगी, ये तय हुआ। आपकी चाल क्या है, 20 होनी चाहिए और इनकी चाल क्या है, 25 है। आपकी 20 है, उनकी 25 है, ये तय हुआ है। ठीक है, सब कुछ सेट है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से चलेंगे। हुआ क्या, आपकी नींद ही नहीं खुली, आपकी नींद खुली ही नहीं, आप सो ही रह गए। इन्होंने इन्होंने आपको बहुत फोन किए उठो, और इन्होंने तो अपना चलना शुरू कर दिया 7 बजे। ठीक है, नहीं चलो ऐसा करते हैं, इसको चला ये है, आप इधर आओ, आप ये हो। इन्होंने
अरे यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ इन्होंने आपको बहुत फोन किए कि उठो भाई चलो, पर आप चलने के लिए तैयार नहीं है, आपकी नींद ही नहीं खुल रही है, मस्त सपने ले रहे हैं आप। ठीक है, आपकी नींद खुली है 7:30 बजे, आपकी नींद खुली है 7:30 बजे। ठीक है भाई, और मुझे एक बात बता दो बस, अब मुझे एक बात बताना आप बहुत आराम से। ठीक है, हाँ मुझे एक बात बता दो, अब ये तो बंदा जा बंदी जो भी है, ये तो 7 बजे चल पड़े थी ना, इसने आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर दी होगी बताओ, इन्होंने आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर दी होगी बताओ, मुझे सोच कर बताओ। यानी कि आपने तो 7:30 बजे चलना शुरू किया है, आपकी नींद ही 7:30 बजे खुली, आप उठे एकदम से, आपने अपनी बाइक उठाई है आज, मैंने देखा पहले स्पीड देख लूं क्या है, मर्सिडीज वाली स्पीड तो लग नहीं रही है ये, आपने देखा आपकी नींद 7:30 बजे खुली, तो इन्होंने तो 7:30 बजे तक आधे घंटे तक कुछ दूरी तय कर दी होगी बताओ, है कि नहीं, यस के नो बताओ, की होगी कि नहीं की होगी, बिल्कुल की होगी, इन्होंने आधे घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर दी, 10। लेट हो गए हैं, सोए रहते हो, तो दूरी बची कितनी है, 90 किलोमीटर की बची। अब आपको क्या करना है, इस 90 को ही तो कवर करना है बताओ, समझे कि नहीं समझे, ये कंसेप्ट समझे कि नहीं समझे, है ना। अब आपको क्या करना है, इस 90 को ही तो कवर करना है, इस 90 को कैसे कवर करोगे, अब आप भी इधर से भागोगे ये भी इधर से भागेंगे, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, 2 घंटे में कवर कर देंगे इस 90 को, कितने समय में कवर कर देंगे, 2 घंटे में कवर कर देंगे, पर ये 2 घंटे कब से, 7:30 बजे इसके 2 घंटे, ये 2 घंटे कब से, 7:30 बजे से 2 घंटे, यानी कि 9:30 बजे जाकर मिलेंगे आप, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताओ, ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई। आप कहेंगे सर अगर हमें कोई टीचर ऐसा पहले मिल जाता जो इस तरह के एग्जाम्पल देकर हमें समझा देता, तो हम तो रियल में कह देते, हम पेपर की धज्जियां उड़ा देते, हम पेपर के परखचे उठा देते। ठीक है, अगर हमें इस तरह का टीचर अगर पहले मिल गया होता ना, जो ऐसे एग्जाम्पल लेकर समझाता हो, अरे यार मैं तो यहां पर पिछले 6 महीने से हूं, आप लोग आते ही नहीं हो, आप लोग पता नहीं कहाँ घूमते रहते हो, हाँ मैं तो आपका इतना इंतजार करता हूं यार, बताइए जल्दी से आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। बताइए इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताना। इन्होंने कहा दो ट्रेनें ए और बी एक सीधी रेखा पर 155 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, ट्रेन ए सुबह 7 बजे शुरू होती है और बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे शुरू होती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। बताओ, हमें यह बताना है ए और वे किस समय मिलेंगे, हमें यह बताना है बताओ। ये ट्रेन 7 बजे चली, ये ट्रेन 8 बजे चली, तो 20 किलोमीटर की दूरी तो कवर कर चुकी ना, अगर ये 20 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी तो दूरी बची कितनी है, 135 किलोमीटर की। इस 135 किलोमीटर की दूरी को कौन कवर करेगा, दोनों मिलकर करेंगे, तो 135/45 तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, 8 से लगेंगे, पर ये 8 और 3 11, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी क्या है, पर हम सकते हैं, क्लियर है सभी को बताओ, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी क्या है, पर हम सकते हैं, इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से। इन्होंने कहा एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है,
एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है, आधे घंटे के बाद अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, जल्दी से इसका आंसर। बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से। अब देखो, इन्होंने कहा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है, आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन, आधे घंटे के बाद कह रहा है ये, आधे घंटे के बाद कह रहा है, एक ट्रेन स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 है, ठीक है, ये आधे घंटे के बाद निकली है तो 25 किलोमीटर की दूरी कवर होगी। बताओ, 25 की तो कवर होगी ना, तो 25 की दूरी कवर होगी, तो दूरी बचेगी कितने की, 700 की बचेगी, दूरी बचेगी कितने की, 700 की दूरी बचेगी, ठीक है। अब आगे देखना, जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती हैं उस स्थान की ए से दूरी कितनी है, हमें यह बताना है। अब देखो, 700 से, अब इनको 700 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है और इनकी चाल आपस में जुड़ेगी तो 200 से भाग होगा तो कितना समय लगेगा, 7/2 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब ए की स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 50 × 7/2 यानी कि 25, 7×35 3 कैरी, 7×2 14 और 3×17 175 और 25 सीए यानी कि 200 किलोमीटर का गैप था, ऑप्शन सी, सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 200 किलोमीटर क्या है, यहां पर आप देखेंगे 25 किलोमीटर तो ये वाली डिस्टेंस, ये ए से कह रहा है ना, तो ए से 25 किलोमीटर वाली तो ये डिस्टेंस और 175 की ये डिस्टेंस, तो टोटल कितनी हो गई, 200 किलोमीटर हो गई, तो 200 किलोमीटर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, तो 200 किलोमीटर क्या है, परम सत्य है, क्लियर है सबको, बताओ सभी को ये बात समझ आई, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी भी तरह की बता दो, अब तो सब हल है मेरे पास। अब देखना, एक गेम आपको और समझेंगे, अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, ताजा क्वेश्चन, पेड़ पर लटक रहा था, मैं इसको उठा लाया, मैंने कहा चल तू हमारे साथ, तुझे चलना होगा, ठीक है, तुझे बच्चों के पास सीखने जाना होगा। इसको देखेंगे, बिना रुके एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, ठहराव के साथ 65 किलोमीटर की औसत गति से समान दूरी तय करती है, ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, आपको ये बताना है, ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, आपको ये बताना है, ये हमें बताना है। तो आप यहां पर देखेंगे S1 − S2 / S1 × 60, ये इसका क्या है, सूत्र है, शायद आपने इसको पहले पढ़ा हो। सर इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल बताना था, जरा सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूं। जैसे देखो, एक होती है सुपर फास्ट ट्रेन और एक होती है थोड़ी सी नॉर्मल सी ट्रेन, जैसे मान लो कि वंदे भारत, अब भाई वंदे भारत की तो बात ही खबर नहीं, अब वंदे भारत कम स्टेशनों पर रुकेगी तो वो क्या करेगी बताओ, उसको समय कम लगेगा ना डिस्टेंस कवर करने में, और एक ट्रेन है जो ज्यादा स्टेशनों पर रुकेगी उसको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि एक तो स्टेशनों पर रुकने का समय,
और एक स्पीड कम ज्यादा हो जाती है उसका चक्कर, ये भी चक्कर है। तो कुल मिलाकर हमें यहां पर यह चक्कर पड़ता है सारा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि बिना रुके कोई ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुक रुक कर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से, तो 75 में से 65 गया, ठीक है। भाग किससे करोगे? 75 से, बड़े वाले से। गुना किससे करोगे? 60 से। इसको काटेंगे 15 चौके 60 और 15 पांचे 75 और ये जाएगा तो 10, 10 बटे 5 गुना में 4। तो ये क्या करेगी? हर स्टेशन पर 8 मिनट रुकेगी। ऑप्शन बी, बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। क्लियर है सबको? बताओ, सबको ये बात क्लियर है? कह रहे सर सबसे फास्ट तो गतिमान एक्सप्रेस है, ठीक है भाई, वो भी ठीक। देखो इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से आप समझना और रियल लाइफ में उतर जाओ, और रियल लाइफ में जितना ज्यादा आप उसमें उतरते जाएंगे आपको उतना मजा आता जाएगा। देखो एक घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी कवर करती है बिना रुके, और एक घंटे में 65 किलोमीटर की दूरी कवर करती है रुक रुक कर, यही है। मैं ये कह रहा हूं 75 किलोमीटर की दूरी कवर करने में इसको 60 मिनट का समय लगता है, लगता है कि नहीं लगता बताओ? 75 किलोमीटर की दूरी कवर करने में इसको 60 मिनट का समय लगता है। अब ये क्या कर रही है? 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर रही है। अगर ये 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगी तो इसको कितना समय बचेगा? गुना 10 कर देंगे, 15 चौके 60, 15 पांच 75, यानी कि ये 10 किलोमीटर की दूरी कम तय हो रही है क्योंकि ये 8 मिनट वेस्ट कर रही है, इसलिए इसमें 10 किलोमीटर की दूरी कम तय हो रही है। तो 8 मिनट यहां पर क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, 8 मिनट क्या है? परम सत्य है। क्लियर है सबको? बताओ, तो 8 मिनट क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, 8 मिनट क्या है? परम सत्य है। क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन का बताओ जल्दी से उत्तर, इस क्वेश्चन का बताओ। स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर है ना ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है आपको यह बताना है, जल्दी से बताओ। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है आपको यह बताना है। इसको देखना आप, मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, एसएससी जीडी का जो महापैक है ना ये आपको ऑफर पर अवेलेबल हो रहा है, और ये ऑफर है ना आज आज के दिन के लिए है एसएससी जीडी महापैक पर। एसएससी जीडी का जो ये महापैक है ये Y761 कूपन कोड के साथ आपको ₹880 में अवेलेबल है। इसमें मेरी भी क्लासेस हो रही हैं और मेरी क्लासेस के साथ साथ इसमें आपको पूरी अड्डा टीम की क्लासेस मिल रही हैं। एसएससी महापैक हमारा एक ऐसा है ना मतलब वो है जिसमें आप लोगों को सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से अवेलेबल हो रही हैं और जिसका आप पूरा पूरा लाभ अभी उठा सकते हैं है ना। एसएससी जीडी महापैक ये आपको अवेलेबल हो रहा है। मैं आपको भी बता दे रहा हूं कि Y761 कूपन कोड लगाकर आपको ये कितने में मिलेगा, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ लो, ₹880 में ही मिल रहा है, बताओ ₹880 में। एसएससी जीडी का ये महापैक ₹880 में आपको अवेलेबल हो रहा है, बहुत मस्त महापैक है। ऐसा महापैक मतलब आप ये मान लीजिए इसमें सारी जीडी की क्लासेस कवर होंगी, वर्दी बार, वर्दी वन, वर्दी टू, वर्दी थ्री, वर्दी फोर, सब कुछ। कूपन कोड ये लगाइएगा Y761S Y761, ठीक। अब देखना ये क्या होगा, 60 माइनस 45 अपॉन 60 इंटू 60, तो ये तो कटेगा ही, बराबर किसके, 15 के। तो 15 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, 15 क्या है? परम सत्य है। अब देखना, आगे बढ़ रहा हूं और सीखना।
देखिए एक बात मैं आपको और समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। चोर और पुलिस की कहानी, चोर और पुलिस की कहानी जो आपको मैं सुनाऊंगा वो बहुत मस्त है, आप सीखना। और ये चोर और पुलिस की ऐसी कहानी है जिस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, जिस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। चोर और पुलिस की कहानी आपको सुनाता हूं, जैसे देखना, ये चोर है और ये पुलिस है। चोर ने चोरी की और चोर भाग लिया, पुलिस ने उसको देखा और पुलिस उसके पीछे भाग ली। यही होता है, यही जीवन का रूल है, ठीक है। अब देखना, चोर भाग रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। पुलिस ने इसको आधे घंटे के बाद देखा, ठीक है, बहुत आराम से समझना, है ना। पुलिस ने इसको आधे घंटे के बाद देखा, तो मुझे एक बात बताओ, पुलिस ने अगर इसको आधे घंटे के बाद देखा है तो पुलिस और चोर में गैप कितना आ गया है? 20 किलोमीटर का गैप आ गया है, आया है कि नहीं आया बताओ? 20 किलोमीटर का गैप आ गया है। अब पुलिस इसके पीछे भागी, पुलिस भागी 60 किलोमीटर की चाल से, तो आपको यह बताना है कि पुलिस इसको कितने समय में पकड़ लेगी, बताओ पुलिस इसको कितने समय में पकड़ लेगी। चोर और पुलिस की कहानी है, वही सेम है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड प्लस होगी कि माइनस? माइनस होगी। तो स्पीड क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड प्लस होगी कि माइनस? माइनस होगी। स्पीड माइनस होगी तो क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। दूरी भी कितनी है? 20 है, और स्पीड का भी फर्क कितना है? 20 है। तो एक घंटे के बाद पुलिस इसको पकड़ लेगी, एक घंटे बाद पुलिस इसको पकड़ लेगी। इस पर इतने क्वेश्चन बनते हैं, इतने क्वेश्चन बनते हैं। आप ये मान लो कि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आना तय ही है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछता ही पूछता है। इन्होंने क्या कहा, एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, ठीक है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिसकर्मी कर्मश, चोर और पुलिसकर्मी कर्मश, चोर 21 और पुलिसकर्मी 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फिर से आप देखो, चोर ने एक पुलिस को देखा और पुलिस ने चोर को देख लिया, उन दोनों के बीच की दूरी क्या थी? 97 मीटर की दूरी थी, ठीक है। जैसी चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, दोनों भाग पड़े, ठीक है। दोनों जैसे ही भागे, एक डायरेक्शन में भागे, जैसे दोनों एक डायरेक्शन में भागे तो दोनों की स्पीड माइनस हो गई। जैसी दोनों की स्पीड माइनस हुई तो 97 मीटर की दूरी को कवर करने में कितना समय लगा? 48.5 सेकंड का समय लगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है परम सत्य है, क्लियर हुआ? ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। इस क्वेश्चन में देखना, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की, ठीक है। 30 मिनट के बाद पुलिस उसी स्थान से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से उसके साथ चली, बताओ बताओ। इसको देखेंगे, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू की, ठीक है, और 30 मिनट के बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू की,
30 मिनट के बाद पुलिस इसी स्थान से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल पड़ी। 30 मिनट के बाद कह रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आपने शुरू की है, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, 30 मिनट के बाद यानी कि आधे घंटे के बाद दूरी कितनी होगी? 30 किलोमीटर होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आधे घंटे के बाद दूरी कितनी होगी? 30 किलोमीटर होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड घटेगी, 80 में से 60 गया तो 20 होगी। दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड घटेगी, तो 80 में से 60 गया 20 होगी, तो समय कितना लगेगा? 3/2 घंटे लगेंगे। ऑप्शन डी, डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। डी क्या है? परम सत्य है। इसको देखना, दोपहर को 3:30 बजे एक चोर चोरी करता है और कार चुराता है और इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता भी है। चोरी का पता 4:00 बजे चलता है, आपको पता ही है इंडिया की पुलिस भाई, और मालिक अभी भी पुलिस नहीं आई, मालिक ही दौड़ रहा है बेचारा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, है ना, गाड़ी को लेकर गाड़ी के पीछे दौड़ जाता है। बताइए वो कब चोर को पकड़ेगा? बताइए कब पकड़ पाएगा वो चोर को? देखते हैं। हमें ये पता है कि 3:30 बजे एक चोर कार चोरी करता है, ठीक है, इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है, ठीक है, और ये कह रहा है कि 4 PM पर, ठीक है, है ना, 4:00 बजे चल, मालिक पीछा करता है किस चाल से? 90 किलोमीटर की चाल से। अब बताओ, अरे वाह मेरे शेरो, वाह 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 वाह, सीख गए आप तुम आज, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में तो धुआं गाड़ दिया आप लोगों ने आज, मजा आया। अब हमें यह पता है कि आधे घंटे में चोर कितना आगे निकल जाएगा, 40 किलोमीटर आगे निकल जाएगा आधे घंटे, आधे घंटे में चोर कितना आगे निकल जाएगा, 40 किलोमीटर आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, यानी कि चोर को पकड़ने में 4 घंटे लग जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि 4 घंटे कब से, इंपॉर्टेंट ये है 4 घंटे इस 4 बजे से, 4 घंटे इस 4 बजे से, यानी कि 8 बजे से, 8 PM। ऑप्शन डी, डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। डी क्या है? परम सत्य है। क्लियर है सभी को? बताओ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इस क्वेश्चन को बताओ आप जल्दी से, हाँ इस क्वेश्चन को बताओ, इसका क्या उत्तर होगा बताइए। डेली मेरी क्लास 9:00 बजे चलेगी, डेली 25 हार्ड चैलेंज में आपको बता रहा हूं, डेली मेरी क्लास यूट्यूब पर 9:00 बजे चलेगी, डेली आपको आना है इसमें, डेली 9:00 बजे 25 हार्ड चैलेंज में। कल हम शुरू करेंगे रेशो को, अनुपात को, कल रेशो शुरू करेंगे, एक दिन एक चैप्टर, एक दिन एक चैप्टर, इस तरह से चलेगा, एक दिन एक चैप्टर, एक दिन एक चैप्टर, ऐसे चलेगा। रेशो आएगा कल, अनुपात, क्या आएगा कल? रेशो आएगा, अनुपात आएगा, तो कल रेशो के लिए तैयार रहना, ठीक है। एक दिन एक चैप्टर, एक दिन एक चैप्टर, कल रेशो 9 से 10, ऐसा धुआं काटेंगे ना इन 25 दिनों में, गेम घुमा देंगे, जहाज बना देंगे, तुमको उड़ा देंगे भाई, ये तय है। यूट्यूब पर डेली 9:00 बजे, इसको देखना आप, एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर एक चैन स्नेचर दिखाई देता है, ठीक है, और वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे चैन स्नेचर का पीछा करना शुरू कर देता है। ये मतलब जाने कि ये चैन स्नेचर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, पुलिसकर्मी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। जब चैन स्नेचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है तब तक चैन स्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, हमें यह बताना है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड घटेगी कि जुड़ेगी? घटेगी, यानी कि
उस चेन सिग्नेचर को पकड़ने में 50 सेकंड का समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। और यहां पर आप देखोगे कि चोर की चाल क्या है, 5 है, और 50 मीटर पर सेकंड, 50 सेकंड तक वो चला है तो यहां पर 250 मीटर की दूरी तय कर देगा। ऑप्शन सी, सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, सी क्या है परम सत्य है, सी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है, सी क्या है परम सत्य है। क्लियर हुआ सभी को, बताओ सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, सी क्या है परम सत्य है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। अब देखना एक चीज आपको समझा रहा हूं, अब बहुत ध्यान से आप समझना, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन बनता है। जैसे ये आपको ये कहेगा, देखना बहुत ध्यान से, आपको ये कहेगा कि यहां पर ये दोनों आकर मिले। अब बहुत समय हो गया है, बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, ब्रेकअप हुए, समय हो गया है, ठीक है, समय ऐसे निकलता रहता है। अब जैसे दोनों एक दूसरे को किसी फंक्शन में मिल गए, किसी शादी में मिल गए, किसी त्योहार पर मिल गए, मतलब मिल गए, राह चलते हुए कहीं मिल गए, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, यहां से इसने ऐसे क्रॉस किया और इसने ऐसे क्रॉस किया, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया। क्रॉस भी कैसे करते हैं, देखा आपने, ऐसे क्रॉस होता है, ऐसे, वो भी ऐसे, मतलब देख इधर ही नहीं होती है वो, ऐसे, ठीक है, ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या हुआ, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई ये इसकी चाल है S1 और ये इसकी चाल है S2, ये इसका टाइम है T2 और ये इसका टाइम है T1, यही है, ठीक है। बहुत गौर से समझिएगा कैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ये मुझे पता है। देखिए स्पीड का जो रेशो होता है ना, वो टाइम के रेशो का उल्टा और उसका स्क्वायर रूट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। जो स्पीड का ये रेशो होता है ना, ये स्पीड का टाइम के रेशो का उल्टा, यानी कि देखो S1 की स्पीड यहां तो T1 की टाइम यहां, S2 की स्पीड यहां तो T2 टाइम यहां, और उसका हम क्या करते हैं, रूट कर देते हैं, उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं, समझे कि नहीं समझे, उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं, ताकि हमें हमारे पास ये ऐसे चले, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, और इसका भी क्या होगा, रूट होगा। इसको इसको नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, इस क्वेश्चन पर भी लेकर आऊंगा, पहले ये देख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको पहले करवा रहा हूं। इसको देखना, इसको देखना, हाँ कह रहे सर SSC CHSL का कोई आपका बैच है, हाँ, जिसमें मेरे को वो पता चले, SSC CHSL का कोई आपका ये बैच है ना, जिसमें मेरे को है ना वो मिल जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपकी क्लासेस मिल जाए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ SSC CHSL का नहीं है, मेरा Abhinandan 7.0 अलग से बैच आता है, Abhinandan 7.0 मेरा मैथ स्पेशल बैच है, इसमें मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ बहुत डीपली, 599 में आप इसको ले सकते हैं, ये बैच ₹730 का है, पर अभी दशहरे पर ऑफर आया है Y761 कूपन कोड के साथ, Y761 कूपन कोड के साथ आप इसको ले सकते हैं 599 में, ये आपके लिए ऑफर आया है। इसमें अभी कुछ ही चैप्टर हमारे हुए हैं, बाकी चैप्टर आपके लाइव कवर हो जाएंगे, जो हो गए हैं उनको आप रिकॉर्डिंग की फॉर्म में कवर कीजिएगा। और ये बैच इतना इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन को बदलने का दम रखता है, आपने एक क्लास में देखा कितना कुछ सीखा आपने, कैसी कैसी चीजें आपने सीखी, कितना डीपली आपने सीखा, यानी कि मैथ्स को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। S1 अपॉन S2 बराबर किसके, आप देखेंगे 16/9 के रूट के, यानी कि 4/3 के, तो 4:3 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 4:3 क्या है परम सत्य है। हाँ 4:3 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 4:3 क्या है परम सत्य है। क्लियर है सबको, जैसे इस क्वेश्चन को देखना, बताइए आप इसका उत्तर क्या होगा, राम ए पर है और श्याम बी पर है, वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं,
ठीक है, रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, और शाम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। राम ए पर है और शाम बी पर है, ठीक है, रास्ते में एक दूसरे को मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और शाम को ए तक पहुंचने में, ठीक है, रास्ते में राम को अच्छा बी तक 2 घंटे, राम को 2 घंटे और अगर शाम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं, ऐसे कह रहा है। यदि राम की चाल यानी कि स्पीड ऑफ राम और स्पीड ऑफ शाम बराबर, टाइम ऑफ शाम का टाइम ऊपर आएगा और राम का टाइम नीचे आएगा। अब बी पर देखो कौन था, शाम था ना, तो 8/2 तो 4/1 रूट करोगे तो 2/1। स्पीड ऑफ राम क्या दे रखी है बताओ, 40, तो भाई शाम की स्पीड क्या होगी, 20, तो 20 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 20 क्या है, परम सत्य है, समझ आया, 20 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 20 क्या है, परम सत्य है, आया समझ। अब देखना एक दो चीजें मुझे आपको बतानी है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको YouTube पर यह दिखा दूं कि हमारी कल वाली जो क्लास है वो बन चुकी है, कल वाला इवेंट बन चुका है ना, कल वाला इवेंट जो होगा वो बन चुका होगा, मैं अभी अगर नहीं बना होगा तो मैं अभी इनको बोलकर बनवा देता हूँ, सारा सेट करवाता हूँ अभी। हाँ, ये अभी इन्होंने थंबनेल चेंज नहीं किया, रेशो का थंबनेल बनेगा, कल वाली क्लास अभी बन जाएगी, ठीक है, इसको हम अभी बनवा देंगे, रेशो की कल वाली पहली क्लास होगी। ये हमारा इवेंट है, ये रहा दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का 25 हार्ड डे चैलेंज का, इसमें आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करके इसके जो हमारा है ना, इसके लिंक पर क्लिक करके आप इसमें हमारे साथ जुड़ जाएंगे, इसके लिंक पर, ये रहा ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे, इसमें 3300 विद्यार्थी अभी तक जुड़ गए हैं, आप भी जुड़ जाइए, इसमें आपको डेली इसकी जानकारी मिल जाएगी सारी। अब सुनना मेरी बात कि मैं कैसे कह रहा हूँ, देखिए अड्डा 24/7 के हमारे जो कोर्सेज है ना, इन पर आपको अभी ऑफर अवेलेबल हो रहा है, जैसे कि एसएससी जीडी की बात करते हैं तो एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल का जो महापैक है ना हमारा, इस पर इन पर आपको Y761 कूपन कोड लगाकर, इस कूपन कोड के साथ आपको 880 रुपये का पड़ रहा है ये बैच, और ये बैच ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको बैच ही, हम इसमें बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, इसमें आपको 500 घंटे की क्लासेस और इसमें आपको, ठीक है ये देखो 500 घंटे की आपको इसमें क्लासेस और उसी के साथ साथ 3100 टेस्ट सीरीज, 180 ई बुक्स और यहां पर 2400 प्लस वीडियोस, और आपको ये मिल रहा है सब Y761 कूपन कोड से 880 रुपये में, और ये ऑफर अभी अभी के लिए है, बस आज के लिए है ये ऑफर 880 में। इसमें आपको वर्दी 1.0, 2.0, 3.0 सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और एक बात, अगर आप इन बुक्स के कॉम्बो को ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मैं स्पेशल बुक्स है, अगर आपने अभी तक इनको ऑर्डर नहीं किया तो आप कर लीजिए, तो इसके लिए आप लगाएंगे Y761S, बुक के लिए S लग जाएगा इसके साथ में, बाकी ये बैच आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी, अभी मैं आपके लिए एक इवेंट लेकर आ रहा हूं, ये इवेंट हमारा YouTube पर ही है कि अभिनंदन 7.0 पर आपको क्या क्या डिस्काउंट मिल रहा है, कैसे कैसे मिल रहा है और किस तरह से मिल रहा है, SSC रेलवे दिल्ली पुलिस BSSC अभिनंदन 7.0 मैं स्पेशल बैच पर आया डिस्काउंट, इस डिस्काउंट के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि क्या डिस्काउंट है, कैसे है, किस तरह से है, इसके बारे में आपको अभी बताने वाला हूं। जल्दी से इसी इवेंट पर पहुंच जाइए, अभी इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है भाई, सभी इस पर आ जाइए, इसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या है, इसी के साथ जय हिंद।